हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज ही हम डिस्कस करिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओडिशा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो 2015 टू 2019 टोटल हमारे 15 16 17 18 19 पांच वर्षर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करिबा। ओके, तो से जो क्वेश्चन को डिस्कस करिबा से हम ए क्वेश्चन को कोन पे डिस्कस करूचे ना बेसिकली गोटे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे ये सब जिन गुड़ा देखा। तो मुझ मानक ये पर्टिकुलरली क्वेश्चन पचारि से क्वेश्चन रुम रेस्पंड कर जो मैंने क्विक ही रेस्पंड कर मुझे रेस्पंड करी तुम्हें गुगुल सर्च कर गुगुल सर्च कले ऑटोमेटिकली तुमको टाइम लेट हो। ओके, तो पांच वर्ष जेहेतु क्वेश्चन टी लेंथी रही है सेसन तेणु तुमको पेसेंस रही हिस्ट्री क्वेश्चन देखापी पड़ो। तो हिस्ट्री सब आम देखा ओडिशा सिविल सर्विस प्रिलिम एग्जामिनेशन रे सब टॉप साइड रे रोचे हिस्ट्री कौन पाई ना क्वेश्चन तार मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन न आसिकी जो क्वेश्चन आम बुक रे पर्टिकुलरली न था सही क्वेश्चन भी आसुची आ किसी क्वेश्चन इजी भी आसुची। तो ये पर्टिकुलरली आम एनालाइज करवा सब जिनस। तो आज आम हिस्ट्री क्लास रोचे कमी आम सिलेबस को बेस करकेमती सेकेंड फास्ट अच्छे करेन्ट अफेयर सेकेंड अच्छे हिस्ट्री थर्ड रे अच्छे ज्योग्राफी। तो कल आम ज्योग्राफी डिस्कस करवा ठीक ये टाइम। तो अबे फास्ट देखिबा हमें क्वेश्चन को हमें केमती डील करिबा ओ क्वेश्चन हमें पढ़ी हमरो जो 2015 रो हमें स्टार्ट करिबा। ओके, तो अबे मु जस्ट स्टार्ट करू छी क्वेश्चन। देखो स्क्रीन को देखि परथबो तमे स्क्रीन स्क्रीन एथरे देखा सब जिंस अछि। तो फास्ट जो मु कहू छी 2015 रो ए जिंस स्टार्ट हे छी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहू छी ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन। इट इज फाउंड इन खंडगिरी, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1820। थर्ड स्टेटमेंट कौन कहू छी इट इज रिटेन इन पाली लैंग्वेज एंड द इंस्क्रिप्शन वाज डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो तुमको पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन एथरे आसीनी इनडायरेक्टली बहुत सारा डाटा दै छी तुमको कंफ्यूजिंग लागिवो ए क्वेश्चन। तो ट्राई करो आंसर सॉल्व करिया पे मु तुम मानक 5 to 10 सेकेंड देवी। तो से भितर एथरे जेहेतु ए क्वेश्चन लेंथी अछि ताकु तुम 20 सेकेंड नेकी सॉल्व करि परिबो तापर मु तुम मानक रेस्पोंड करबी। तो फीके आंसर दे 2 and 4 बोली कहूँ सी नंबर आंसर दे। तो समस्त आंसर अच्छी सी, बट सी कौन पे ही सी जदि आम कह सेकेंड एंड फोर्थ व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन को किए डिसिफर करते तुमको जानापी पड़ो। तो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन को डिसिफर किए करते आगो मते कमेंट सेक्शन रे मेंशन करो तापर तमे जानि परबो यार आंसर कोन। क्वेश्चन आसीबो कोन पे ना ए क्वेश्चन से ना 2015 रे आस्तला। तो 2020 रे क्वेश्चन आसीबो जे हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन किए डिसिफर करथले। तो काजल आंसर देछि एतरे ए स्ट्रिलिंग। ओके, तो काजुअल आंसर दिछि पुनी सी। तो जदि सी हला सी रे आंसर अछि कोन सेकंड और फोर्थ अछि। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो जेम्स प्रिंसिप लेखाइ छि तो और केमती ठीक हला सी। ए स्ट्रिलिंग ठीक अछि आंसर। तनु जो पर्टिकुलर आंसर तमे जो देखिबो फोर पार्ट टाक जो एलिमिनेट करदेव तेल तुम आंसर पाइज आंसर हम बी फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, इट इज फाउंड इन खंडगिरी, इट इज रिटेन इन पाली लैंग्वेज। तो जदि किसी भूल भाल मुझे तुम रेफर कर बट फास्ट जो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखिए फोर्थ स्टेटमेंट ताकू देखिक तुम आंसर करूल भाल अच्छी तेल तुम अलग अपसन जापर। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट को सेकेंड क्वेश्चन को जी जेम्स प्रिंसेप जो एटा कोन ना अशोकन इंस्क्रिप्शन माने को जो देथिले हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच किंग खारवेलो ना नहीं। तो खारवेलो जॉइन किंग।
तो सही टाइम रे माने अशोकंक ठू पुरुणा टाइम रो ए इंस्क्रिप्शन तो ए इंस्क्रिप्शन जेम्स प्रिंसिप जो करथले तार इंस्क्रिप्शन आउ ए जो हाथी गोफा इंस्क्रिप्शन हमरा पूरा डिफरेंट ओके तनु तमे देखिबो गूगल रे सर्च करिवो कि अलगा बुक देखिबो तमे यार आंसर पाई परिवो तो यार आंसर जो मु कहूची तमे माने जो बुक रेफर करियो मनोहर पांडे एथिरे नाही कोन पई ना दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन ओके तो किछि क्वेश्चन हमें देखिबा जो क्वेश्चन हमें पर्टिकुलरली माने डायरेक्ट क्वेश्चन से गुडा सब मिलिबो बट जो गुडा टफ क्वेश्चन से गुडा मे बी हमें पाइबानी कहुथरे मनोहर पांडे रे कि इवन अलग बुक रे भी पाइबानी सब क्वेश्चन रो आंसर गोटे पर्टिकुलर बुक रे हमें पाइबा नाही तो सेकंड क्वेश्चन देखो हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क सेकंड क्वेश्चन हु वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क आंसर कोन हबो चरक सुश्रुत पालकप्य भागवत ओके दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन तो आम देखा जो रेफर करवा जस्ट आम आंसर सीट को देखी तुम मन को तो आंसर सीट रे देखोजी कोन पई ना तमे डायरेक्टली सही फेज को रेफर करि परियो एटा आंसर शीट नो मु देखोजी तुमको जस्ट आंसर शीट ओके टिके वेट करो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कस करथले फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बी हबो सेकंड क्वेश्चन जो अछि सेकेंड क्वेश्चन जदि तमे कनिष्क बोली जो तमे जदि कनिष्क पर्टिकुलर सेही पार्ट को जीवो मनोहर पांडे बुक रो सेथिर तमोर लेखा हिची पूरा डिटेल को किंग को से पैटर्नाइज करथले तो पूरा डिटेल लेखा होची माने खाली हमरो चरकों को पैटर्नाइज कर नथले बहुत सारा जो किंग हमरो जो एसोसिएट हे कि अछन किंग हमरो जो किंग को सहित जेंति हमरो अश्वघोष नागार्जुन वसुमित्र चरक तो ए चैप्टर नाम मेंशन होछ तमे डायरेक्टली यारो आंसर रेफर कर परिबो मनोहर पांडे बुक रे ओके तापरे देखो क्वेश्चन नंबर थ्री हुईच ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर हुईच ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिड गिव द थ्योरी दैट ऑल थिंग फेल ऑन द अर्थ बाय लॉ ऑफ नेचर एज इट वाज अर्थ नेचर टू अट्रैक्ट एंड कीप थिंग्स फर्स्ट ऑप्शन हबो आर्यभट्ट सेकेंड ऑप्शन हबो बराहमीर सी ब्रह्मगुप्त डी चंद्रशेखर तो आंसर कौन हबो एथरे क्वेश्चन नंबर थ्री आंसर कौन हो सी सी जन सी किसी जन आंसर दौर आर्यभट्ट कहते जन ए भी आंसर देखिए प्रियत ओके तो आंसर कौन हम एबे जीवा आंसर कौन हम देखा
तो तीन नंबर क्वेश्चन तुम जब पेज 33 को जीव पेज 33 रे तुम्हें तार आंसर पाई पार आर्यांत बुक जीके जीके जो अच्छी जनरल नॉलेज बुक तो ये तार आंसर कौन हम आस्ट्रोनॉमी विषय जो पर्टिकुलर तुम 33 पेज को जीव ए लिखाई आर्यभट्ट कौन करते बराह मीर कौन करते ब्रह्मगुप्त कौन करते तेणु ब्रह्मगुप्त या तुम जब बुझी थोड़े तुम यार आंसर कर पार देख ब्रह्मगुप्त वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन ही हिंटेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत ओके तो ये जो ये बुक से मेंशन कर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो से जो टाइप लॉ था सी हिंट देते तो हिंट देते मानते कौन से जिनसा पर्टिकुलर जिनसा कौन भूल अच्छी बट से जो हिंट देते किए देते ब्रह्मगुप्त देते तुमको आंसर राइटिंग करने पड़ो तेणु आंसर हम सी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट रिटेन बाय हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो बुक लिखी थे तीन टा बुक लिखी थे बेसिकली तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन को पचारे बोधे लिखी थे कौन पाई ना तीन टा बुक लिखी थे जोटा इनकरेक्ट थी से डी ऑप्शन हो तेणु आंसर कौन हम देख ऑप्शन ए देखिए रत्नावली बी देखिए नागानंद सी कादंबरी डी हम प्रियदर्शिका आंसर समस्ते सी दौंट तो आम देखा आंसर कौन रत्नावली नागानंद प्रियदर्शिका ये तीन टा बुक आम हर्षवर्धन लिखी थे तो ये आंसर भी आम देखिपर एक्सप्लेनेशन सीट अच्छी आम पाखे तो ये पर्टिकुलर अच्छी पूनम दलाल जो बुक अच्छी पूनम दलाल दहिया 384 पेज रे अच्छी हर्षवर्धन विषय तो हर्षवर्धन विषय ये लिखाई देख हर्ष वाज ए वेरी ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग ही वाज वेरी टैलेंटेड हिमसेल्फ एज इट इज बिलीव्ड दैट ही रोट 3 ड्रामा प्रियदर्शिका रत्नावली एंड नागानंद ओके तो से जो कौन कौन विषय लिखाई से जिनस भी लिखाई देखो बहुत रोमांटिक कॉमेडी किए प्रियदर्शिका रत्नावली है दिटा रक रोमांटिक कॉमेडी और नागानंद है बेस्ड ऑन बोधिसत्व जीमुक्त बाहन ओके तो यार आंसर हम कादंबरी ओके तापर देख पांच नंबर क्वेश्चन हु डिड इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इन इंडिया सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट किए इंट्रोड्यूस करते ऑप्शन दौर अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर लोदी शेरशाह सूरी अकबर पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन मेडिवल इंडिया रू आछि तो एंशिएंट इंडिया रो क्वेश्चन प्राय सरला ये पर्टिकुलर 2015 रे तो ये पांच नंबर क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिवल इंडिया तो लैंड मेजरमेंट सिस्टम किए इंट्रोड्यूस करते ऑप्शन रे कौन देखी मु कहली तो आंसर दियो सो प्राय समस्त कहते सी ऑप्शन तो आंसर अबे देखिबा देखो आमर जो पुणी आउ थे जो आम पूनम दलाल नुह ये हाँ 68 पेज रे जदि पूनम दलाल बुक को जीव आउ 59 पेज रे आर्यांत बुक को जीव ताले एथरे जो एडा पर्टिकुलरली आर्यांत रो इंपोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ अकबर रूल तो अकबर जहां जहां इंपोर्टेंट काम करथिले बा ताकर जो रिलेटेड जिंस थिला इवेंट थिला बा जहां भी पॉलिसी थिला सेई सब जिंस एथरे लिखा आइछि जेमथि सलही कुल इबादत खाना कोठी करथिले तापरे जिजिया को अबोलिश करथिले सब जिंस एथरे मेंशन अछि उलेमा रो डोमिनेंस को कर्व करिया पे अकबर गोटे कोन करथिले महाजरनामा बोली गोटे प्रोक्लेम करथिले 1579 रे व्हिच मेड इस्लामिक लॉ ओके तो ये सब जिन बहुत सारा अच्छी हम लिखाई तापरे हमरा दिन ई इलाही भी दिन ई इलाही जो अच्छी गोटे टर्म ताको भी तुम बुझा भी ट्राई करिवो अकबर कारखाना भी एस्टेब्लिश करथले पेंटिंग कारखाना हेडेड बाय अब्दुस संवाद तो ये सब जिनस अच्छी तो लैंड एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो देखिवो हमरा पूनम दलाल ताले इथरे अच्छी द लैंड रेवेन्यू सिस्टम अडॉप्टेड बाय अकबर वाज लार्जली बेस्ड ऑन शेर शाह सिस्टम बट द स्लाइट मॉडिफिकेशन वाज कॉल्ड जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम तो इथरे देखो जेहेतु शेर शाह
सिस्टम फास्ट स्टार्ट करथले यार आंसर कौन हबो यार आंसर हबो शेरशाह सूरी ओके तो हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट इन इंडिया कहले आंसर हबो शेरशाह सूरी तापरे सही पॉलिसी को अकबर जस्ट मॉडिफाई करथले तापरे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन With reference to monuments built by the Mughal, which one of the following pair is not correctly matched? With reference to monument built by the Mughal, which one of the following pair is not correctly matched? So, Bulan Darwaja, Akbar Kartile ki, tapre Itimad Dola, Tomb gote achi, taku Jahangir construct Kartile ki, va establish Kartile ki, Sire Fatehabad Mosque, Babur Kartile ki, Agra Fort, Shahjahan, तो यार आंसर कौन हम कौ जिनस भूल अच्छी तो आग्रा फोर्ट शाहजहान करते समस्त जाच बुलन दरवाजा अकबर करते कि नहीं जानवा दरकार तुमको जहांगीर कौन करते बाबर करते कौन तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर जो तुम देख आर्किटेक्चर कि हिस्ट्री जनरल हिस्ट्री भी तुम आर्किटेक्चर पार्ट पढ़ तो मुगल सब इम्पोर्टेंट मुगल देख मुगल एज रु के क्वेश्चन पढ़ू तो यार आंसर कौन हम देख आग्रा फोर्ट किए करते आंसर जो डी है आग्रा फोर्ट ताले किए करते ओके किसी पिला आंसर सी दे किसी पिला डी दे तेणु आम आंसर को जीवा देख आंसर मु जस्ट देखा तुम मानक मुगल आर्किटेक्चर अच्छी से जो बुक रे मुझे बुक कही तो 65 पेज रे तुम देखिपर मुगल आर्किटेक्चर किए कौ जिन करते कौ कौ आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्ट करते जिन मेनसन तो बाबर करते मस्क एट काबुलीगढ़ पानीपत हुमायून करते सिटी अफ दिनापना बादिनपना जमाली मस्क हाजी बेगम हुमायून टम करते हुमायून वाइफ का नाम कौन हाजी बेगम अकबर बहुत सारा जिनस करते आग्रा फोर्ट जहांगीर महल तापरे लाहौर पैलेस अलाहाबाद फोर्ट दीवानी खास बहुत सारा जिनस करते ओके तो किसी जिनस जमती आम जो ईरानियन स्टाइल गोटे दरवाजा करते से जो अकबर स्टार्ट करते कंप्लीट करते किए जहांगीर तो जहांगीर कौन करते मोती मस्जिद एट लाहौर ऑन मसलियम तापरे नूरजहां करते इतला इता मधुलास मार्बल टम्ब एट आग्रा तापरे ताले कौन है आंसर नूरजहां करते कौटा बी तो एटा जहांगीर करते ना नूरजहां करते लिखाई देख तापरे शाहजहां कौन करते आग्रा रे ताजमहल करते मोती की मस्जिद करते तापरे दिल्ली रे जमा मस्जिद रेड फोर्ट शालीमार बाग रे अमर शालीमार बाग करते कौती लाहौर करते औरंगजेब कौन करते मोती मस्जिद एट दिल्ली बीबिका मकबरा एट औरंगाबाद ये सब जिनस करते तो आंसर कौन हम मत कह हुई इज नॉट करेक्ट ओके तो अकबर किसी पिला कहते अकबर बुलंद दरवाजा ताले किए करते आंसर कौन हम आग्रा फोर्ट ओके आग्रा फोर्ट किए करते अकबर करते डायरेक्ट लीड देखिए देख तो तुमको इजिली मुझे ये बुक रेफर करें तुमको बहुत सारा जिनस तुम ये तुम जो आनालाइज भी कर 12-15 क्वेश्चन जो पढ़ु मिनिमम 7-8 क्वेश्चन तुम ये बुक रूप आसूस ओके तो तुमको अरिये भार नहीं छोट बुक आम ये पढ़ले कौन हो ना सेमती किसी ना बट या तुम कम्प्लीट कर पुणी जो पूनम दलाल बुक को कि स्पेक्ट्रम बुक को रेफर कर देख आम नेक्स्ट क्वेश्चन
हु वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस? आंसर कौन हम नायक ऑफ ओध, नवाब ओध, तापरे गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, निजाम ऑफ हैदराबाद। किए जो आंसर ए दौर तो आंसर ए केबे भी हेबोनी कौन पाई ना नवाब ऑफ ओध से अलग तो बुक को तुम भल कि पढ़ से कहि जे तुम्हें माने से पर्टिकुलर छोट हो पचे से बुक को आगे कम्प्लीट करने ट्राए कर। तो ये देख 78 पेज रे जदि देखिबो से डायरेक्टली लिखा ही कौन लिखे हमें देखा सब्सिडरी अलायंस बोल कि गोटे सब टॉपिक अच्छी तो से पूरा डिटेल दे सब्सिडरी अलायंस विषय तो ये पूरा डिटेल तुम पढ़ सब्सिडरी अलायंस किए इंट्रोड्यूस करते वालेसली इंट्रोड्यूस करते जेहतु सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट किए कर निजाम ऑफ हैदराबाद कही आंसर कौन हम निजाम ऑफ हैदराबाद हम के 1798 रे नवाब ऑफ ओध सेकेंड रे कले तो या मन रख तो सब्सिडरी अलायंस जो अच्छी किए इंट्रोड्यूस करते ना वायरलेसली तो ये टाइप क्वेश्चन तुम रेफर करके पढ़ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम रेफर कर मेन रीजन है लिंक कर क्वेश्चन पढ़ी पारे तो बहुत सारा आउ अलायंस भी अच्छी कौ स्टेट कर सब जिन भी अच्छी तो से सब जिन तुम रेफर कर बुझीपर तर नेक्स्ट देख 8 नंबर क्वेश्चन Which act did change the designation of Governor General of Bengal to Governor General of India? So this is basically politics bhi koi pariba ame au history bhi koi pariba. To yaar answer kon hobo? Easy question sabutu. To sabu year re tomaro easy question kichhi ase au tough question bhi kichhi ase. किसी पिला डी आंसर दौंस किसी पिला बी आंसर दौंस तो बहुत इजी क्वेश्चन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया गवर्नर जनरल जो तीन टा थिले गवर्नर ऑफ मद्रास गवर्नर ऑफ बॉम्बे गवर्नर ऑफ कलकत्ता कौ आक्ट रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले सबऑर्डिनेट टू बेंगल है गले 1773 ना नहीं रेगुलेशन आक्ट बा रेगुलेटिंग आक्ट 1773 बट तापर जो 1833 रे कौन है ना गवर्नर पूरा गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल को तार नाटा चेंज हो गला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोली दिया गला सेति पे समस्त कहंती बा हमें कहंती कौन ना डिसेंट्रलाइजेशन रु से जो टेंडेंसी टा हो गला ब्रिटिश रो जो पूरा टोटल को सेंट्रलाइज टेंडेंसी कर दला ओके तो आंसर सेति पे आंसर बी हेबो यार डायरेक्ट आंसर भी मु तुमको देखे दउची आंसर एथिपें तुम मानक देखी जो तुमको इजी लगे बुझाप रेफर करने से बुक को तो चार्टर आक्ट 218333 देख ए तो इजिली तुम रेफर कर देख डायरेक्टली लिखाई फर्स्ट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिगन द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट सच गवर्नर वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक तो हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्वेश्चन आसो आंसर हम लॉर्ड विलियम बेंटिक तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड द रंजीत सिंह साइन ए ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ ब्रिटिश एट अमृतसर अमृतसर रे और रंजीत सिंह आउ ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन कौन मान जो ट्रीटी करते परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी तो से 1799 1805 1806 और 1809 आंसर कौन हम तो समस्त डी आंसर दौरान से आम आंसर को चेक करवा ठीक अच्छे कि नहीं तो तुम्हें देखिए सही बुक रे ही अच्छी आर्यंत बुक रे अच्छी 79 पेज रे अच्छी तो 79 पेज को जदि जीव तार जो गवर्नर जनरल सब अच्छी गवर्नर जनरल को ना लिखाई जमी सर जॉर्ज बार्लो 1805 टू 07 लॉर्ड मिंटो 1807 टू 1813 लॉर्ड हास्टिंग 1813 टू 23 तो माने कौन गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कौन पे ना 1833 है ही नहीं जाए तो कौन कहा
गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। तो एथरे कोन हिछ ना लॉर्ड मिंटो 1 आमे जानिचे मल्ले मिंटो माने मिंटो 2 जो कहउछन्ति आमे सेटा 1909 रे मल्ले मिंटो पे एक्ट हेतिला बा एक्ट हेतिला। तो लॉर्ड मिंटो 1 मन रखियो तार 100 तो पछ को पळेबो आ लॉर्ड मिंटो 1 को मने पकेबो तांको टाइम रे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हेतिला रणजीत सिंह सहित। तो जदि तुम डीपली आउ टिके जीवा पई चाहउछो बा आउ टिके पढिया पई चाहउछो तुम डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बुक को पळेबो सेथरे डिटेल अछि व्हाट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर आ को सिचुएशन रे करा जाईतिला परपेचुअल फ्रेंडशिप ट्रीटी माने कोन सब जिंस अछि। तो ए लॉर्ड मिंटो को टाइम रे मन रखिबो 1833 चार्टर एक्ट हमरो स्टार्ट करतिला एंड इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी रो जेमती मोनोपोली थिला अग्रु मार्केट रे तारो इंडियन मार्केट रे ता सही मोनोपोली टा एंड हे गला। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा हु इज एसोसिएटेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन तो आंसर दे पे ट्राई करो जल्दी। आंसर कौन हम लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन को लेकिन तुम 2015 क्वेश्चन आसा लॉर्ड रिपन जो इंट्रोड्यूस करते सेल्फ गवर्नमेंट तो प्रीलिम मेन दिटा जाकर यहाँ इंपोर्टेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केमी इंट्रोड्यूस होता तार फीचर सब लिखापी तो तुम जीव तार आंसर लिखापी ट्राए कर जो सिविल सर्विस कर्नर चैनल भी तार भिड अच्छी तार डेस्क्रिप्शन तार एक्सप्लेनेशन आम देखु देखापी ट्राए कर। तो ये देखा जस्ट आम रेफर करवा लॉर्ड रिपन 80 नंबर पेज को जीवन 80 नंबर पेज रे लॉर्ड रिपन 1882-1884 तांकर टर्म थिला। तो ही वाज अपॉइंटेड बाय द लिबरल पार्टी अंडर ग्लैडस्टोन रिपील द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आम इंट्रोड्यूस जो होता 1778 रिपील कर दि जाइला फास्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 भी होता टू इम्प्रूव द लेबर कंडीशन इन रूरल एरिया लोकल बोर्ड वेयर सेट अप इन 1889 मद्रास लोकल बोर्ड एक्ट वाज पास एंड ही वाज फेमसली नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हेतिला 1881 रे फैमिन कोड अडॉप्ट हेतिला फैमिन कोड भी क्वेश्चन अछि एबे टिके परे देखिबा हमें। तो हंटर कमीशन भी से अपॉइंट करथिले तांको टर्म रे आ एजुकेशनल रिफॉर्म को नेकी से यू 1882 हंटर कमीशन इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी तांको टाइम रे हेतला व्हिच एम्पावर्ड द इंडियन जजेस टू इंक्वायर इनटू यूरोपियन केसेस। यूरोपियन केसेस को भी इंडियन जज माने इंक्वायर करि पारुतले आ पंजाब यूनिवर्सिटी तांको टाइम रे फाउंड हेतला। तो बहुत सारा इंपोर्टेंट इवेंट तांको टाइम रे हेतला जोटा कि तो एग्जाम पे बहुत इंपोर्टेंट। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच प्लेस डिड कन्वर सिंह ए लीडर ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। एटा भी बहुत इजी क्वेश्चन तमे जदि पढिछो हिस्ट्री रिवोल्ट ऑफ 1857 मॉडर्न इंडिया को जदि हमें मेन सिलेबस रु स्टार्ट करूचे ताले ए रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला फर्स्ट चैप्टर। तो इथरे तारो कॉज जानिबा दरकार को लीडर एसोसिएट थिले को प्लेस को लेकी। तो यार ऑप्शन देछि देखो कुनवर सिंह जो थिले कुनवर सिंह एज ए लीडर से को लोकेशन रु थिले उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार। आंसर कोन हो को तो मुझे क्वेश्चन अपीयर करी मु भूल कर दे थी कौन पे ना से जस्ट मैंने प्रिपेयर ठीक से हो नी तो से अनुसार मुझे भूल करी तमें भी सेमती कन्फ्यूज हो जाऊ सिंह लगी मैंने तुमको पंजाब किमर उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश तो नुह यूपी रगे कौन पे ना पंजाब पाखापाखि। तो बिहार या मन रख कुर सिंह तो सब लिडर मान लिस्ट तुम कौटी पाइब 76 पेज कुछ आर्यांत बुक र 76 पेज रे देखो देजी डायरेक्ट सेंटर ऑफ रिवोल्ट एंड देयर लीडर्स। तो दिल्ली रे बहादुर शाह 2 जनरल वक्त खान ताकु असिस्ट करथले कानपुर रे नाना साहेब तापरे दंदू पंत अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव 2 तांतिया टोपे अजीमुल्ला खान
ଝାନ୍ସିରେ କିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ? ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ବେଗମ ହଜରତ ମହଲ, ତାଙ୍କର ସନ୍ ବିର୍ଜିସ କୁଆଦିର, ଫୈଜାବାଦରେ ମୌଲବୀ ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା, ବରେଲିରେ କିଏ? ଖାନ ବାହାଦୁର ଖାନ, ବିହାରରେ କୁନୱର ସିଂ, ହୁ ଇଜ ଦ ଜମିଦାର ଅଫ ଜଗଦିଶପୁର। ତ ଏହାକୁ ତୁମେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମର ଏଇଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ଆସିପାରେ ଯେ ଆମର ଫୈଜାବାଦରେ କିଏ ଥିଲେ, ତ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ମୌଲବୀ ଅଦମୁଲ୍ଲା, ଓକେ ଅହମ୍ମଦୁଲ୍ଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଦାଟ ଅକର୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଣ୍ଡିଆସ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମେ ବି ହଁ କନସିଡର ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଦାଟ ଅକର୍ ଇଣ୍ଡିଆସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇଣ୍ଡିଆସ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ତ ଏଇଥିରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଧେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ଅଛି। ତ କୋଉ ମାନେ ତମେ ଇଏ କର, ମାନେ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ଦିଅ, ଏ ବି ସି ଡି କିମ୍ବା ଏ ଡି ବି ସି କିମ୍ବା ଏ ସି ବି ଡି, ତ କୋଉ ଫର୍ମରେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆଗେ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ, ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ମେନସନ୍ କର। ଚୌରୀ ଚୌରା ଭାଇଲେନ୍ସ କେବେ ହେଇଥିଲା, ମର୍ଲେମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ କେବେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ମଣ୍ଟଫୋର୍ଟ ରିଫର୍ମ କେବେ ହେଇଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି, ବି ଡି ଏ ସି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ମର୍ଲି ମଣ୍ଟେ ରିଫର୍ମ, ତାପରେ ମଣ୍ଟଫୋର୍ଡ ରିଫର୍ମ, ତାପରେ ଚୌରୀ ଚୌରା 1922, ତାପରେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହ୍ୱାର ଡିଡ୍ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ? ଇମ୍ଫାଲ, ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର, କହିମା, ଦିଲ୍ଲୀ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ତ ରଞ୍ଜିତା ମେନସନ କରିଛି 1909, 1917, 1922, 1930, ଠିକ ଅଛି ତମ ଆନ୍ସର। ତ ହ୍ୱାର ଡିଡ୍ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଷ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ଲାଗ? ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଗର ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ। ତ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଛି ବି, ତ ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ପୁରା ଦେଖ ଦେଇଛି ତାର ଇଭେଣ୍ଟ, ତମର 107 ପେଜକୁ ଯଦି ଯିବ ଆରିଆନ୍ ବୁକ୍ ର ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍, ଇୟର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ତ ଇୟର୍ ଅଛି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରେ ଯଦି ଯିବ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ଯୋଉଟା କି ତମ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନଉଛି, ଫର୍ଟିନ୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଇଟା ହେଲା 2016 ର ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବେସିନ ଅନ୍ 31 ଡିସେମ୍ବର 1802, ୱିଥ ବ୍ରିଟିଶ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବେସିନ ଅନ୍ 31 ଡିସେମ୍ବର 1802 ୱିଥ କାହା ସହିତ? ସିନ୍ଧିଆ, ହୋଲକର, ଭୋସଲେ, ପେଶୱା। ତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ତମେ ଜାଣିଛ, ତ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 68 ବୋଧେ, ତ ସେଇଠୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ୱାର, ତାପରେ 20 ବର୍ଷ 20 ଇୟର ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମୈଶୂର ନୁହଁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର, ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ବେସିନ କୋଉ ୱାର ସହିତ ଆସୋସିଏଟ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଉ କୋଉ କାହା ସହିତ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମରାଠାର ସବ ଏମାନେ ସବ ପାୱାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ସିନ୍ଧିଆ ଲୋକେସନ ୱାଇଜ ତାଙ୍କର ନେମ୍ ଅଛି ଟାଇଟେଲ, ହୋଲକର, ଭୋସଲେ, ପେଶୱା। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ତ ଆନ୍ସର 3 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଡି। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆନ୍ସର ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଦେଖିବା ୱାନ୍ ଜିରୋ ଫାଇଭ ଆଉ 107 ପେଜ କୁ ଯଦି ଯିବ ସେଥିରେ ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବ ତମେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ନୁହଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଥିଲେ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ତମେ ପଢିବ ଅଟୋମେଟିକ, ସେ ବୁକ୍ ରେ ବି ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଆର୍ମି ସହିତ ବି ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ପଢିବ, ସେ
लिंकेज अच्छी तो 2016 रे जो आंसर अच्छी आंग्लो मराठा वार को लेकर 69 पेज को जीवो 69 पेज रे आंग्लो मराठा वार अच्छी तो आंग्लो मराठा वार तुम्हारे फास्ट आंग्लो मराठा वार मु कहितली 1775 टू 82 भितरे हितला तो इंपोर्टेंट ट्रीटी भितरे कोन हितला ना ट्रीटी ऑफ सालवाई तो कन्वेंशन ऑफ वादागांव के हितला 1779 तो कोन पे हितला जदी डिटेल जानिया पे चाहू छ पुणी यात्रे जीवो कोठी पुणी यात्रे से जो हमर स्पेक्ट्रम बुक को जीवो सेकंड आंग्लो मराठा वार 1803-06 रु हितला तो इतरे इट बिगन व्हेन मराठा पेशवा साइंड द सब्सिडियरी अलायंस विथ ट्रीटी ऑफ बेसिन तो मराठा आर्मी डिफीटेड बाय ब्रिटिश तो ट्रीटी ऑफ बेसिन हमर सेकंड आंग्लो मराठा वार सहित अछि आ इट इज एसोसिएटेड विथ पेशवा इतरे लिखा है डायरेक्टली सेमती थर्ड आंग्लो मराठा वार 1817-18 रे हितला लॉर्ड हास्टिंग डिक्लेयर्ड वार अगेंस्ट पिंडारी द मर्सिनरी ऑफ द वर्ल्ड दैट मराठा डिसिसिवली डिफीटेड ओके तो यार आंसर तो मैं पेशवा ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें स्टेट डिमांड अंडर परमानेंट सेटलमेंट वाज फिक्स्ड ऑन डैश 89% ऑफ द रेंटल 11% ऑफ द रेंटल बोथ ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव तो परमानेंट सेटलमेंट रे जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होतला सपोज 100% कलेक्शन होतला तो क्वेश्चन कौन पचारूची ना स्टेट रो डिमांड केते थिला सेतरे परमानेंट सेटलमेंट कौन थिले ना परमानेंट सेटलमेंट रे जमीदार माने भी थिले तो जमीदार माने किछि पार्ट रखुथिले आउ स्टेट पखरे किछि रहुथिला स्टेट माने सेटा ब्रिटिश तो ब्रिटिश को केते परसेंट डिमांड बा केते परसेंट जाउथिले तारो रेवेन्यू रो ताको तुमको जानिबार अछि तो आंसर कौन हो मेंशन करो ओके आंसर हम 89% ठीक अच्छे तो यार रेफरेंस भी तुम्हें जाई परिबो से बुक को से बुक रे डिटेल अच्छी तो परमानेंट सेटलमेंट बोली जो सब यूनिट अच्छी से 75 पेज रे देखिबो तो बंगाल बिहार और ओडिशा रे हमरो परमानेंट सेटलमेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस हेतला तापरे याकू केड इंट्रोड्यूस करथले ना लॉर्ड कॉर्नवालिस केबे इंट्रोड्यूस करथले ना 1793 तो या को किए सेटलमेंट ई सेटलमेंट को किए प्लान करथले जॉन सोर वाज प्लान्ड तो इथरे जमीदार हमर टोटल हमर देखो अश्योर्ड ऑफ देयर ओनरशिप मेनी जमीदार स्टेड इन टाउन एंड एक्सप्लॉइटेड देयर टेनेंट तो इट डिक्लेयर्ड जमीदार एज द ओनर ऑफ द लैंड हेंस दे शुड कीप द 1/11th ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड टू देमसेल्फ व्हाइल द ब्रिटिश गॉट ए फिक्स्ड शेयर ऑफ 10/11 ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड द जमीदार वर फ्री टू फिक्स द रेट तो आंसर तुम एथरे जानि परबो 10/11 माने कते 89% ओके तो आंसर ए हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हमें तो व्हिच वाज कंसीडर एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया तो इंग्लिश एजुकेशन रो मैग्ना कार्टा को के कहा को कहू छी हमें मैग्ना कार्टा माने ओटा कहू छी हमें मळो दुआ जो पढिला तो मार्कलेस मिनिट 2 फरवरी 1835 रिजोल्यूशन ऑफ 7 मार्च 1835 वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 और नॉन ऑफ द अबव आंसर कौन हो किछ पिला सी आंसर दोचंती किछ पिला ए आंसर दोचंती तो आंसर कोन हो देखिबा हमें एठी भी सेमती 83 पेज को जीवो थर्ड फेज अछि तीनटा फेज रे अछि हमरो 18 हमरे एजुकेशन रिफॉर्म जो अछि एजुकेशन रिफॉर्म पर तीनटा फेज अछि थर्ड फेज हला 1854 टू 1900 तो 1854 रे चार्ल्स वुड ओडे हमरो डिस्पैच बाय एजुकेशनल सिस्टम को नेके पॉलिसी डिक्लेयर करथले ताकू आमे कोन कहउछन्ती मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन को को आउची तो जो मानकर हिस्ट्री ऑप्शनल अछि किबा हां हिस्ट्री ऑप्शनल जार अछि इपोटिक बहुत इंपोर्टेंट कोन पाइना शॉर्ट नोट आसी पारे किबा लॉन्ग क्वेश्चन आसी पारे एजुकेशन को नेकी तो इवन हमरो मेन एग्जाम रे भी आसी पारे यार कोन पाइना 1854 टू 1900 अछि तो ओवरऑल 19th सेंचुरी क्वेश्चन भी आसीबो तो एई थरे जहां जहां फीचर अछि तांको तुमको जानियाबे पड़िबो जेंती यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता बॉम्बे मद्रास
ଏସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଉଡ୍ସ ଡିସପାଚ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନ ସିଷ୍ଟମ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଟିଚର୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ହେଇଥିଲା, ଏଜୁକେସନ କୁ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଉଡ୍ସ ପ୍ରପୋଜାଲ ୱାର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ଲେଡ୍ ଟୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ ଯିବା ଆମେ, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ୍ ଦ ରିଏଲ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର? ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଟୁ ଷ୍ଟେମ୍ ରାଇଜିଂ ଟାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଟୁ ମୁସଲିମ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଟୁ ବେଙ୍ଗଲି ଲିଟରେଚର। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ସି ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜିତା ବି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ସୁଶାନ୍ତ ଏ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ତ ଏଇ ପାର୍ଟ ବି ତମେ ଏଇ ବୁକ୍ ରେ ପାଇପାରିବ, ଆରିହାନ୍ତ ବୁକ୍ରେ। ତ 90 ପେଜ କୁ ଯିବ, 90 ପେଜ କୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ପାର୍ଟିସନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ 17 ରୟାଲ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ, ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଯେ ପାର୍ଟିସନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ କେବେ ହେବ, 16th October 1905। ତ ୟାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଟୁ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ୟୁନାଲ ଗଲ୍ଫ ବିଟୱିନ୍ ହିନ୍ଦୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ମୁସଲିମ। ତ ୟାର ବେସିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ'ଣ ଥିଲା, ରିଏଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ଏଇଟା ନା, କମ୍ୟୁନାଲ ଗଲ୍ଫ ବିଟୱିନ୍ ହିନ୍ଦୁଜ୍ ଏଣ୍ଡ ମୁସଲିମ। ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟର ଇଟ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଫ୍ଟର ପାର୍ଟିସନ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଅନଅଫିସିଆଲି କ'ଣ କହିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ଟୁ ବିଗ୍ ଟୁ ବି ଏଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଆଡମିନିଷ୍ଟର୍ଡ ବାଇ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏଫିସିଏନ୍ସି କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗିଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେ କିଛି କହିନି। ରିଏଲ ଇଣ୍ଟେନସନ, ରିଏଲ ଇଣ୍ଟେନସନ ହେଲା ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଓକେ, ତ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଏଥିରେ ଭୁଲ, ତାପରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଟୁ ମୁସଲିମ ଏଥିରେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲି ଲିଟରେଚର ଇଏ ବି ଭୁଲ ହେବ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା, ଟୁ ଷ୍ଟେମ୍ ଦ ରାଇଜିଂ ଟାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ବହୁତ ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ସେଇ ଯୋଉ ୟୁନିଟିକୁ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟେମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଷ୍ଟେମ୍ ରାଇଜିଂ ଟାଇଡ୍ ଅଫ୍, ଟୁ ଷ୍ଟେମ୍ ରାଇଜିଂ ଟାଇଡ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ, ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ହେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କଂଗ୍ରେସ ହାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆହ୍ଲାବାଦ, ବମ୍ବେ, ସୁରାତ, ବରଦୋଲି। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ଡି ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେ କ'ଣ ବରଦଲିରେ ହେଇଥିଲା? ତ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ଆମେ, ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ତ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ 1930ରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ 1930ରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆମର ବେସିକାଲି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେବା ଆଗରୁ 11 ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, 11ଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ନା, ଲର୍ଡ ଉରିଏନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଥିଲେ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଇନଥିଲା ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମାନେ କ'ଣ, ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ତ ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତ ଅନ୍ 12th March 1930 ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫେମସ୍ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ 78 ଚୁଜେନ୍ ଫଲୋଅର୍, ଗାନ୍ଧି ୱାକ୍ ନିୟରଲି 375 କିଲୋମିଟର ଫ୍ରମ୍ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଟୁ ଦାଣ୍ଡି, ଏ ଭିଲେଜ୍ ଅନ୍ ଗୁଜୁରାଟ ସି କଷ୍ଟ। ତ ଏଇଥିରେ ବରଦଲିର ନେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖ, କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନଥିଲା ସିଭିଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ବରଦଲିରେ 1917 ଯୋଉ କହିଛ, ସେଟା ସେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସଓବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ତାକୁ ନେଇକି ତମେ କ୍ଲାରିଟି ଆଣିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ତମକୁ କହିବି। ମୁଁ ବି ଦେଖିଥିଲି ୟାର ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଅଛି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ସେମିତି କରିକି ଲେଖିଛି, ବଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲା
ବାରଦୋଲି ତାହେଲେ ବାରଦୋଲିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ବଟ୍ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଅପସନ୍, ସୁରାତ ବି ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ବାରଦୋଲି ହେଇପାରେ, ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କୋଉଟା ହେଇଥାଇପାରେ। ତ ବାରଦୋଲି ମେ ବି ଠିକ ହେଇପାରେ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ୟୁ, ତ ମୁଁ ପରେ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ତମକୁ କନଫର୍ମ କରିବି। ଓକେ ତାପରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ୱାଜ ପାସ୍ଡ ଇନ୍, ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା, ତମେ ଏଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବୁକ୍ ରେ ବି ପାଇବ, ଆଉ ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ବୁକ୍ ରେ ପାଇପାରିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କମନ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ବୁକ୍ ରେ ତମେ ପାଇବ। ଅପସନ୍ ଏ କଣ କହୁଛି ନା, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେସନ୍ ଅଫ କଂଗ୍ରେସ 1916 ରେ ହେଇଥିଲା, ଗୟା ସେସନ୍ ଅଫ କଂଗ୍ରେସ 1922 ରେ ହେଇଥିଲା, କୋଲକାତା ସେସନ୍ ଅଫ କଂଗ୍ରେସ 1928 ରେ ହେଇଥିଲା, ଲାହୋର ସେସନ୍ ଅଫ କଂଗ୍ରେସ 1929 ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ଡି ହଉଛି, ଜଣେ ଏ ବି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି, ଆଉ ଜଣେ କହିଛି ଚମ୍ପାରନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଭିଲ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଫ୍ରମ କଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଡି ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି, ତ ଡି ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ 96 ପେଜ ରେ ଦେଖିବ, ସେ ବୁକ୍ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାହୋର ସେସନ ଅଫ 1929। ତ ଦିସ୍ ସେସନ ୱାଜ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଗାନ୍ଧୀ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ପଲିଟିକ୍ସ ବାଇ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ୍। ତ ଏଇଥିରେ ଦିସ୍ ସେସନ ପାସ୍ଟ ଏ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଜ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଗୋଲ। ତ 31 ଡିସେମ୍ବର 1929 ରେ ପୁଣି ଆମର ଟ୍ରାଇ କଲର ଫ୍ଲାଗ ବି ଆମର ହଷ୍ଟେଡ କରାଗଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1930 ରେ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଡେ କୁ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ହିସାବରେ କୁହାଗଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଲାହୋର ସେସନରେ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ତମେ ଦେଖିବ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସାର୍ ସାର୍ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ସାର୍ ସୟେଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ହାଡ୍ ୟାଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ ଉଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର, 1857, 1876, 1878 ଅର୍ କଣ? ତ ଏଇଠି ଇଆର ଆନ୍ସର ଅଛି, ଦେଖ ଆନ୍ସର ଏଇ ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ଯଦି ନାହିଁ ଡି ଥିବ ଡି ବି କରିପାରିବ ତମେ। ସାର୍ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ହାଡ୍ ଏଣ୍ଟର ନାଇଟ୍ ହୁଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆନ୍ସର ଡି ଅଛି, 1888 କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଡି ଅଛି କି କଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏବେ। ଟୁ ସିକ୍ସଟି ୱାନ ପେଜ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମକୁ ଯଦି ଯିବ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାନ ବର୍ନ ଇନ୍ ଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ ମୁସଲିମ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାଜ ଏ ଲୟାଲିଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ଅଫ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 1876 ହି ବିକେମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଇନ୍ 1878। ହିଜ୍ ଲୟାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ହିମ୍ ଏ ନାଇଟଲି ଉଡ୍ ଇନ୍ 1888। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ସି କରିଛି, ବଟ୍ ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଭୁଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ଦେଖ ପୁରା କରେକ୍ଟ ଅଛି ତମ ଆନ୍ସର 1888। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଉ କଣ କଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ତାକୁ ବି ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ ଓନ୍ଲି ଆନୁଆଲ ସେସନ ଅଫ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ୍ ଅବ ବାଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା କାକିନାଡା 1923, ବେଲଗାମ 1925, କରାଚି 1931, ଗୁଆହାଟି 1926। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତ ତମେ ଟ୍ରାଏ କର ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ।
आंसर कौन जल्दी आसुनी। द ओनली एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस प्रिजाइडेड ओवर महात्मा गांधी वाज आंसर बी बेलगाम 1925। ठीक अच्छे बहुत इजी क्वेश्चन तो तुम्हें जदि बुक रे देखिबो इथरे देख क्विक क्विक डाइजेस्ट बोल की अच्छे 18 पेज रे आर्यन बुक रे तो बहुत इंपोर्टेंट इवेंट सब देछि। फर्स्ट इवेंट ऑफ आईएनसी उमेश चंद्र बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फर्स्ट ओमेन प्रेसिडेंट अनि बेसंत फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बदरुद्दीन त्यागी फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जॉर्ज यूएलए फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू इंडियन ओमेन प्रेसिडेंट तो मते कमेंट सेक्शन रे कहो फर्स्ट ओमेन प्रेसिडेंट किए। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट हमें जानिले सरोजिनी नायडू तो फर्स्ट ओमेन प्रेसिडेंट अनि बेसंत इथरे लिखा हिची। ओके तो गांधी बिकेम प्रेसिडेंट 1924 बेलगाम तो फर्स्ट एथरे ही तुम जानी परिबो जे ए बेलगाम सेशन रे 24 देची तो 25 जो एक्चुअली बोधे ठीक अछि एथरे में भी तांकर प्रिंटिंग टेक थाई पारे तो गांधी हमरो 1925 रे बेलगाम सेशन रे हमरो प्रिजाइड करले इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। ओके 24 की 25 तुम करेक्ट करके देखिबो। तापर देखो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विथ ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट हेतिला हमें जानिचे तो कोउ पर्सनालिटी एसोसिएटेड हे कि नथिले ट्रेड यूनियन मूवमेंट को नेकी तो टिके टॉप क्वेश्चन एटा तो तमे जदी पूरा डिटेल पढ़ीथिबो स्पेक्ट्रम ताले तमे यार आंसर कर परिबो बट इथरे भी तमे पाई परिबो आर्यन बुक रे भी अछि तार आंसर बट इनडायरेक्टली पढ़ी कौन पे ना ट्रेड यूनियन मूवमेंट सहित किए किए एसोसिएट थिले गोटे दुटा तुम ना मन रखिथिबो बट चारटा जाक तीनटा जाक ना मन रखी नथिबो तो सेमती इंडियन ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो थिला इंडियन ट्रेड यूनियन जो थिला फर्स्ट इंट्रोड्यूस हेतल 1920 रे तार प्रेसिडेंट किए थिले तार क्वेश्चन भी आसी पारे। तो 9 नंबर क्वेश्चन रो आंसर को तो आंसर कौन स्वामी सहजानंद तो आंसर ठीक अच्छे कि नहीं देखा 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर एक्सप्लेनेशन को जीवा तो आंसर हम डी बट डी जो अच्छी तार किसी मु लिंक पाइनी स्वामी सहजानंद एसोसिएट है कि अच्छा भाया भी मुझे जस्ट ताको रेफर कर ली कौन पाने कौट से डायरेक्टली लिंक पाइनी तो ताको नहीं कि तुम्हें इतने कमेंट कर पार किंबा तुम आउ किसी जो बीबीगिरी जदि अच्छी बीबीगिरी जदि आम ट्रेड यूनियन सहित एसोसिएट है कि थिले ताले तार हिट भी तुम इथरे दे पारिबो। ओके तापर हमें देखिबा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फेमिन कमीशन 1880 तो इटा डायरेक्टली को बुक रे मेंशन है नी जे फर्स्ट फेमिन कमीशन फर्स्ट चेयरमैन किए बोली इंट्रोड्यूस माने कहिनी बट तुम जदि पढ़ीथिबो डिटेल ताले तुम यार आंसर करि पारिबो जमती रिचर्ड स्ट्रेसे सर मैकडोनेल जेबी लेल टी मॉरिसन माने समस्त गोटे गोटे कमीशन रो हेड थिले बट फर्स्ट फेमिन कमीशन रो हेड किए थिले ताकु तुमको आंसर देबा पे पड़िबो। तो आंसर समस्त ए अच्छी तो देखिबा एक्सप्लेनेशन इथरे मु मेंशन करिनी बट इथरे देखो फैमिन कमीशन रे कोन हिची ना 1880 कहिची तो हु वाज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट फैमिन कमीशन इन 1880 तो 1880 रे हमरो लाइटन जो थिले लाइटन को टाइम रे रिचर्ड स्ट्रेच हम देखिथिले प्रीवियस एक्सप्लेनेशन रे तो आंसर हबो ठीक अछि आंसर ए हबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन इंडिया व्हेन वाज फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन इंडिया 1881 1891 1901 1911 तो आंसर कौन हबो यार याकु हम डिस्कस करले रिसेंटली जस्ट तुम्हें जो आंसर दौ सहित एसोसिएट जो गवर्नर जनरल थिले वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिले तांको ना लेखो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कहाँ टाइम रे हिला
ଆମେ ଯୋଉ ଲର୍ଡ ରିପନ୍ ଥିଲେ ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ସିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବା ଫାଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟ୍ରିଏଟ୍ ଲେବର କଣ୍ଡିସନ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲେବର କଣ୍ଡିସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ସେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ୱେନ୍ ୱେଆର୍ ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ଏଣ୍ଡ ରାଜଗୁରୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟୁ ଡେଥ। ଭଗତ ସିଂ ସୁଖଦେବ ଆଉ ରାଜଗୁରୁ କେବେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଡେଥ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଲେ? 7th October 1930, 6th February 1931, 27th February 1931, 31st March 1931। तो याकु नहीं कि भगत सिंह को नहीं कि दीटा मूवी अच्छी, गोटे है शहीद द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, सेकेंड मूवी है कौन, सेकेंड मूवी है 31st March 1931 शहीद। तो से मूवी जदि देखी थोड़ा तुम्हें मन रखी यार आंसर डी कर पार। तो आंसर हम डी, मुझे डिस्कशन एक्सप्लेनेशन को जाऊनी। तापरे हु वाज द एडिटर ऑफ इनक्लाब फ्रॉम लाहौर इन 1923। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जी डेली पढ़ुथ प्राक्टिस करुथ्वे टाइप रो क्वेश्चन रो आंसर करी परिबो। तो इनक्लब जो अच्छी, इनक्लब गोटे प्रेस आम जानी मैगजीन, तो इनक्लब रो राइटर बा एडिटर किए? तो आंसर समस्ते बी दौंस, तो गुलाम हुसैन आंसर ठीक अच्छे। बट ये ए टाइप रो आंसर तुम कौटी पाइब, कौ जिन रेफर करले पाइब, ताको हमें डिस्कस करिबा। तो लॉर्ड रिपन विषय में जस्ट आउ थे मुझे मेनसन कर, तो कराची सेसन रे आमर कौन होता, तो कराची सेसन परे परे जो आम एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड हेले नहीं लिखाई, बट तार डेट मेनसन है बुक रे। तो ये देख ଯଦି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଅଛି ବୁକ୍ ଜର୍ନାଲ ଏଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ ପେପର, ସେଥିରେ ମେନସନ ହେଇଛି କିଏ କିଏ ଆମର କୋଉ କୋଉ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଛୁ ଏଇଠି ଦେଖ, ଗୁଲାମ ହୁସେନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁଲାମ ହୁସେନ ମେ ବି କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥିବ, ବଟ ତମେ ଦେଖିବ ସେ ବୁକ୍ରେ କେତେ ନମ୍ବର ପେଜ, 20 ପେଜ ଯଦି ଦେଖିବ, 20 ପେଜରେ ମେନସନ ହେଇଛି। ତ 20 ପେଜରେ ଗୁଲାମ ହୁସେନ ଇନକ୍ଲାବ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମେନସନ ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଆନାଉନ୍ସଡ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନ୍ 4th August 1932 ଗେଭ୍ ଏ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଟୁ ଏ ମୁସଲିମ୍ସ, ବି ଡିପ୍ରେସ କ୍ଲାସ, ସି ସିକ୍ସ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର। କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଆନାଉନ୍ସଡ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନ୍ 4th August 1932 ଗେଭ୍ ଏ ସେପାରେଟ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ ଟୁ तो आंसर आसुची बी डिप्रेस क्लासेस, ठीक अच्छे आंसर। ओके, तापर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिबा, कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 व्हिच रिड्यूस्ड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स वाज पास्ड बाय लॉर्ड लाइटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବୋଭ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କୋଲକାତା ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ଅଲଗା, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ କୋଲକାତା କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା 1854 ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚରେ ହେଇଥିଲା, ବଟ ଏଇଟା ହେଲା କୋଲକାତା କର୍ପୋରେସନ ଆକ୍ଟ 1899। ତ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତମେ ହିଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତ ତାକୁ ତାର ଆନ୍ସର ଦେବ, କୋଲକାତା କର୍ପୋରେସନ ଆକ୍ଟ 1899। ମାନେ ସେ ହିଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି, ଆନ୍ସର ସେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଦେଇଛି ଯେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ଭାଇସ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ କିଏ ଲାଇଟନ, ଲାଇଟନ ତ ଥିଲେ କେବେ 1878 ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ରିପନ 1881 to 84, କର୍ଜନ କର୍ଜନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ଅବଭିୟସଲି ସି ହେବ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତାପରେ ଇଏ ଆହୁରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଣ୍ଡିକା ୱାଜ୍ ରିଟର୍ନ ବାଇ, ମେନସନ କର ଜଲ୍ଦି, ଷ୍ଟର୍ବୋ, ମେଗାସ୍ତିନିସ, ଜଷ୍ଟିନ, ପ୍ଲିନି। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ମେନସନ କର।
आंसर बी अछि समस्त जानिछो याकु मो रिपीट करूनी आउ देखौनी एक्सप्लेनेशन तमे से सब बुक रे यार मेंशन पाइबो तापर देखो राजतरंगिनी कंपोज्ड बाय कल्हन इन 12th सेंचुरी इज मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ आसाम हिस्ट्री ऑफ नेपाल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल काश्मीर पोस्ट गुप्त इकोनॉमिक यार आंसर दियो तो आंसर है वो हिस्ट्री ऑफ मेडिवल काश्मीर ओके तो जदि हम एक्सप्लेनेशन को जीवा तो इतरे भी सही जो आर्यन बुक रे ये जिनसो मेंशन है छी नोट क्वेश्चन हम डिस्कस करू छे ओके तो मेगास्थेनिस लिखितले इतरे मेंशन है छी इंडिका ऑफ मेगास्थेनिस तापरे राजतरंगिनी को नेकी आंसर सी अछि तो आंसर सी अछि माने कोन ना ए जो सम इंपोर्टेंट राजपूत रूलर जो राजपूत माने मेडिवल इंडिया जेतले स्टार्ट होउ छी एथरे देखो लिखा है लिटरेरी वर्क्स तो लिटरेरी वर्क्स रे लिखा है देखो राजतरंगिनी ऑफ कलन व्हिच इज हिस्ट्री ऑफ काश्मीर तनु यार आंसर हबो हिस्ट्री ऑफ काश्मीर तापरे एटा सबटु इंपोर्टेंट क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन थिला बट तमे जदी बुझिथिबो ठीक से इजी करि परिबो तमे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आंसर कौन हम देखो फास्ट लिस्ट वन अच्छी लिस्ट टू अच्छी तो लिस्ट वन लिस्ट टू मुझे जस्ट जूम आउट कर तो ये क्वेश्चन को समस्त देख पार्थ लिस्ट वन रे अच्छी दयानंद सरस्वती ए रे अच्छी तापरे बाल गंगाधर तिलक मार्क्स मुलर जगन्नाथ झा एमाने को जो थियोरी देइथिले तांकर थियोरी को जानिबा दरकार बा को समाने को थियोरी देइथिले जेमती हमें कहि परिबा जगन्नाथ झा कहिले जे सेंट्रल एशियारु आर्यन माने आसथिले ना तिब्बत माने तिब्बत रु आसथिले ना सप्तसिंधु रिजन रु आसथिले ना आर्कटिक रिजन रु आसथिले तो आंसर तमे बहुत इजी अछि बट तमको देखिले क्वेश्चन कष्ट लागिबो कोन पय ना तमे पर्टिकुलर जिनस को जदि कैच करिबो ताले यार आंसर पाइ परिबो तो यार आंसर कोन हबो मते को कमेंट सेक्शन रे तापर मु तमको एक्सप्लेन करी आंसर समस्त ए रोजी कौन पे ना देख जो बाल गंगाधर तिलक विषय पढ़ से क्या सपोर्ट करते चार नंबर सीरियल को सपोर्ट करते आर्कटिक रीजन को लेकिन से गोटे बुक भी लिखी थे तो ताकि तुम क्या कर तुम इजी आंसर तुम इजिली ये चूज कर पार तो ये जिनस मेनसन भी कर तो बाल गंगाधर तिलक विषय जो पढ़ तो से कौन कह लोकमान्य कहुता से केशरी मराठी लांगुएज लिखी थे न्यूज पेपर मराठा इंग्लीश लांगुएज लिखी थे पूरा लास्ट पार्ट जो देखो ही रोट द बुक्स द आर्कटिक होम ऑफ वेद एंड गीत रहस्य तो ये जो आर्कटिक रीजन या कुछ तुम लिंक कर आंसर इजिली तुम करेक्स्ट क्वेश्चन देख आज 2017 आम कम्प्लीट करवा नेक्स्ट आम पुणी आउ थे कभी कम्प्लीट करवा 2018-19 जो कम्प्लीट हो 7 days बा 6 days सब प्रिवियस इयर गोटे गोटे क्लास जो कम्प्लीट करवा पुणी आउ थे जो रेस्ट पार्ट टाक आम डिस्कस करवा ओके तो ये क्वेश्चन कौन कही देख किंग अशोक बिकेम द बुद्धिस्ट आफ्टर ही हॉरिफाइड विथ टायरनी ऑफ कलिंग वार इट वाज इन बहुत इजी क्वेश्चन तो कलिंग वन के कलिंग वार के तो 258 BC 260 BC, 200 BC और 327 BC.
ଜଣେ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ବୋଲି ଜଣେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଟେଲ ମି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କେବେ ହେବ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କେବେ ହେବ ମାନେ ଆମର କ୍ଲାସେସ ନା ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର ଆମେ ଅଲରେଡି ଏବେ ଯେଉଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିସ୍କସ କରୁଛେ ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲିମିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଯିବା ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁଛେ କୋଉ ଚାପ୍ଟରରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆସୁଛି, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଡିସ୍କସନ ନ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 11 ଜାନୁଆରୀରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର କ୍ରାସ କୋର୍ସ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ କରିବ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତମେ ଲେକ୍ଚର ଲେକ୍ଚର ପାଇବ, ଡେଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇବ, ଡେଲି ଟେଷ୍ଟ ବି ଆମର ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ ଭିଡିଓରେ କହିଥିଲି ସେଥିରେ ସବୁଦିନ ଇଭିନିଂ 6ଟା ବେଳକୁ ତମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, PDF ଫର୍ମାଟରେ ଟେଷ୍ଟ ତମେ ଆପିୟର କରିବ, ମିନିମମ 20 କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିବ, ତାକୁ ତମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆନ୍ସର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସବମିଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ମାର୍କ ଫେଚ୍ କରିପାରିବ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିଲା। ତାପରେ ଇଭିନିଂରେ ତମେ ଆମେ ସେଡ୍ୟୁଲକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ବି ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ କୋଉ ଲେବୁଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, କୋଉ ସେକ୍ସନରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ତମେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଅ, ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡିସ୍କସ କରିବା, ପୁରା ପ୍ରପର ୱେରେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଯୋଉ ୱେରେ କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଅନସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ଦେଖିବା, ଅଶୋକ 273 to 232 BC। ତ ଏ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସ କରୁନି, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ରେଫର କରୁଛି କୋଉ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ହି ଫଟ କଲିଙ୍ଗ ୱାର 261 BC ଦ ନାଇନ୍ଥ ଇୟର ଅଫ୍ ହିଜ୍ ରୁଲ। ଓକେ, ତ କଲିଙ୍ଗ ୱାର 261ରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତ 260 BC ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇପ୍ ନଗର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଆର୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ, ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ? ତ ଏଇଟା ତମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଏଲିମିନେଟ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଇଜିଲି ଏହାର ଆନ୍ସର କରିପାରିବ। ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ପାଇଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଲାଗିବ ଯେ ତମେ କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା ଆଉ ତମେ କେମିତି ଭୁଲ କଲ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି, ପୁରୀରେ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଏଲିମିନେଟ କରିପାରିବ, ତ ଡି ପାର୍ଟଟା ଏଲିମିନେଟ ହେଇଗଲା। ତ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ତ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ କୋଣାର୍କରେ ଅଛି ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ 3 ପାର୍ଟ ବି ହେବନି। ତ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ କୋଉଥିରେ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ତେଣୁ 2-4। ତ 2-4 ଯଦି ଅଛି ତ 2-4 ଆମର କୋଉଠି ହଉଛି, 2-4 ଯଦି ହଉଛି ଅପସନ ସି ହଉଛି, ତେଣୁ 5th ବି ଥିବ। ତ ପରଶୁରାମ ସ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ବି ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ସି ଠିକ ହେବ, ପରଶୁରାମ ସ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଥାଉ ନ ଥାଉ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପୁଲ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ସି ହିଁ ହେବ। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଦେଖ ୟାକୁ ରେଫର କରିପାରିବ, ତ ଏଇ ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲ କିଏ କହିପାରିବ, ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲର ନେମ୍ କ'ଣ ଗେସ୍ କରିକି କିଏ କହିପାରିବ, ଆଉ ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲ କିଏ ଯଦି ଦେଖିଛ ତମେ ମେନସନ କରିପାରିବ ତମେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖିଛି ବୋଲିକି। ଓକେ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ସିଂ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ଯେ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ଓକେ, ତ ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ। ଓକେ, ତ ଟେମ୍ପୁଲ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଅଲଗା, ତମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବ କୋଉ ଟେମ୍ପୁଲ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ତମକୁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଦ୍ୟାଟ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଇନଭାଇଟେଡ ଟୁ ସିକ୍ୟୁର ପଦ୍ମିନୀ ଦ କୁଇନ ଅଫ ରଣା ରତନ ସିଂ ଅଫ ମେୱାର ୱାଜ ଭିଭିଡଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ବାଇ, ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମାବତ ମୁଭି ଆସିଥିଲା ପଦ୍ମାବତ ବୋଲିକି, ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲା ବୋଲିକି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି। ତ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଯୋଉ ଆମର
पद्मिनी को सिक्योर करिया पे इनवाइटेड टू सिक्योर पद्मिनी द क्वीन ऑफ राणा रतन सिंह ऑफ मेवाड़ वाज विविडली डिस्क्राइब्ड बाय मल्लिक मोहम्मद जयसी इन हिज एपिक पद्मावत इब्न बतूता इन हिज रेहला अमीर खुसरू इन खैजा उल फुतु एंड कॉल जे टॉड इन अनाल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो आंसर कौन हम बहुत इजी क्वेश्चन आंसर हम ए। ओके तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग दीज वाज नेवर इलेक्टेड टू प्रेसिडेंटशिप ऑफ आईएनसी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रे जो प्रेसिडेंट सब आम पढ़ुचे तो से किए प्रेसिडेंट है ना तार आंसर तुम दियो। तो टिके कष्ट टॉप लगे जदि तुम एसोसिएट है नथिबो हिस्ट्री सहित मॉडर्न हिस्ट्री सहित तो यार आंसर देवा पई ट्राई करो। तो आंसर है वो सी खान अब्दुल गफर खान। ओके तो यार एक्सप्लेनेशन बोधे ना मो पाखे से तुमको देखे पारुनी। तो पुणी जदि किसी नवाब सैयद जो अच्छी मे भी मिस्टेक अच्छी कौन अच्छी तो मुझे कह तुम्हें जदि किसी जान तुम्हें तो मेनसन कर नवाब सैयद ओ जदि थिले प्रेसिडेंट को सेशन रे थिले। ओके तो ए दिटा भितरे कन्फ्यूजन अछि खान अब्दुल गफर खान जो फ्रंटियर गांधी को कहथि हमें से तो करि नथिले हमें जानि छे बट नवाब शायद किए से कोन पे ए ऑप्शन रे देछि बा जदि थिले को टाइम रे थिले ताकू तमे कमेंट सेक्शन रे मेंशन करो। तापर 8 नंबर क्वेश्चन व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस वाज सेट अप एट वेदांत सेंटर व्हेन स्वामी विवेकानंद विजिटेड यूएसए इन 1899। याकू तमे नेट रे भी पाइबोनी तो ये क्वेश्चन गोटे गोटे तुमको स्किप करिया पे पड़ो। तो ऑप्शन ट्राई करो आंसर देवा पई शिकागो न्यूयॉर्क सान फ्रांसिस्को लॉस एंजेल्स तो 1 एंड 2 2 एंड 3 2 एंड 4 3 एंड 4 आंसर कोनटा हो। काजुअल ऑप्शन रे आंसर कमेंट मेंशन करी छी जे कराची रे थिले तो 1913 रे हमरो कराची सेशन हिथला सेतरे सैयद अहमद थिले। ओके सैयद अहमद नै नवाब सैयद तो ताले आंसर सी हबो। ओके तो ए जो 8 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो समस्त आंसर सी दोचंती तो यार आंसर भी मो पाखरे नै तमे निजे रिसर्च करिकि कहिबो तो यार आंसर कोन हबो बट मु देखी थी कौटी गोटे ऑफिशियल आंसर की रे बोधे 3 और 4 अच्छी तो ऑफिशियल आंसर की चेक करी तुम यार वीडियो जो अपलोड हम आम यूट्यूब चैनल ले तारे से कमेंट करिवो। ओके तापरे 9 नंबर क्वेश्चन हु मव ए रिजोल्यूशन फॉर इनफ्रेंजेड इनफ्रेंजमेंट ऑफ अमेन इन 1917 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट ला अनी बेसंत माने किए हमरो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन रे हमरो रिजोल्यूशन को हमरो अमेन एनफ्रेंजमेंट करिया पे सपोर्ट करिया पे बाहर थिले। तो फर्स्ट अछि अनी बेसंत सेकंड अछि सरोजिनी नायडू थर्ड रे कमला देवी चट्टोपाध्याय फोर रे अरुणा अचव अली। तो आंसर कोन हबो ए बी सी डी चूज करो जणे कहूची ए आ जणे कहूची बी आ जणे कहूची सी तले आंसर कोन हबो सब हबो ना कोन दिस इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ओके इनडायरेक्ट क्वेश्चन तुम जब टिके लिंक कर आंसर पाई पार तो ये सेशन रे एक्चुअली 1917 सेशन रे प्रेसिडेंट किए थे तुमको जानापी पड़ो आईएनसी रे प्रेसिडेंट किए थे जिप थे सी ही रिजोल्यूशन मूव करते जमी आम कहीपर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आम जवाहरलाल नेहरू करते रिजोल्यूशन को किए मूव करते अमेन फ्रांचाइजी को बेस करके रिजोल्यूशन को।
तो आंसर कौन हम ताकू देखिबा तो 102 पेज रे जदि जीवो से बुक रो आर्यंत बुक रो अनिवेशन को विषय देछि तो पूरा डायरेक्टली से लेखिनी जे 1917 सेशन रे से रिजोल्यूशन करतले बट एज ए प्रेसिडेंट एक्चुअली से माने रिजोल्यूशन मूव करनती तो कोलकाता सेशन रे से जो 1917 रे से प्रेसिडेंट थिले तनो आंसर इथरे कोन हबो अनिवेशन हबो। ओके तो अनिवेशन थियोसोफिकल सोसाइटी हमरो इंडिया रे एस्टैब्लिश करतले हमरो वर्ल्ड रे की एस्टैब्लिश करतले तमे ताकु मन रखिया पई पड़िबो तो ए टाइप रो क्वेश्चन तमे आंसर ए जिन सोडा पढ़िले तमे आंसर दे पारिबो। तापर देखो वीडी सावरकर ऑथर टा बुक वीडी सावरकर को बुक ऑथर करतले 1857 सेपोई म्यूटिनी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी तो आंसर कोन हबो तो आंसर हम सी समस्त मान इजी क्वेश्चन एटा तुम स्पेक्ट्रम पढ़ कि बुक पढ़ ए बुक रे भी देखो देसी हमरो बुक आ ऑथर देसी तो हमरो अमित चौधरी इमोर्टल लिखले अनिवेशंत वेक ऑफ इंडिया लिखले अनुराधा रॉय द फोल्डेड अर्थ लिखले अरविंद अधिगा लिखले व्हाइट टाइगर अरुंधति रॉय द गुड ऑफ स्मॉल थिंग मिनिस्ट्री ऑफ आउटमोस्ट हैप्पीनेस आशा पूर्ण देवी सुवर्ण लता अरविंद घोष लाइफ डिवाइन एमती भिजी तिलक लिखते बाल गंगाधर तिलक गीत रहस्य लिखते आंबेडकर लिखते व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल दादा भाई नारोजी प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया तो ये सब जिन लिखते तो भिडी सावरकर देख लिखाई इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखते राजेंद्र प्रसाद लिखते इंडिया डिवाइडेड राधाकृष्णन लिखते हिंदू व्यू ऑफ लाइफ दीनबंधु मित्र लिखते नील दर्पण इंपोर्टेंट डेजी हासन लिखले द टू लेट हाउस तो ये सब जिन मन रखियो। तापर देखो व्हिच सेशन ऑफ फॉलोइंग प्रेजेंट मोमेंट इज नॉट प्रॉपर्ली मैच्ड विद द स्टेट इन व्हिच इट वाज लॉन्च्ड मफला रेबेलियन केरला पवना अग्रारियन मोमेंट महाराष्ट्र किसान सभा एंड एकता मोमेंट यूपी बरदली सत्याग्रह गुजरात तो आंसर कौन हम जल्दी कह तो किए सी आंसर देखते किसी या किसी पिला बी आंसर दौंस तो पवना आग्रे रिबेलियन कौटी तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन करो जल्दी तो आंसर हम बी तो कौन पे बी हम देखा जस्टिफाई करवा तो लॉर्ड रीडिंग तुम्हें जो 107 जीव 94 पेज जीव आमर आर्यांत बुक को जीव लॉर्ड रीडिंग जो अच्छे 1921 टू 1926 तांको टाइम रे वाइस रॉय से थिले तो तांको टाइम रे कौन कौन हेतिला राहुल टाक आम रिपील हेतिला प्रेस एक्ट भी रिपील हेतिला तापरे आमरो सिमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विस इन इंग्लैंड एंड इंडिया फ्रॉम 1923 बोली दिस होल्ड करा गला प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया इन नवंबर 1921 एथरे देखो लिखाई छि नेक्स्ट रे मफला रिबेलियन 1921 टुक प्लेस इन केरला तो फर्स्ट ऑप्शन एथरे एलिमिनेट करि परिवो चोरी चोरा इंसिडेंट हेतिला ए टाइम रे आ विथड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन ए मोमेंट हेतिला स्वराज पार्टी हमरो फॉर्मेशन करथिले चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया फाउंड करथिले एमएन रॉय करथिले 1925 रे कोकरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी हेतिला विश्व भारती यूनिवर्सिटी रिसेंटली न्यूज हेतिला 1922 रे एस्टैब्लिश करथिले रवींद्रनाथ टैगोर ली कमिशन आसथिला कोन पई ना पब्लिक सर्विस पई यंग हिल्टन कमिटी फॉर करेंसी नोट आसथिला जो जहार रिकमेंडेशन रे हमरो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हेतिला तापरे रॉयल कमिशन ऑन एग्रीकल्चर हेतिला
राष्ट्रीय स्वयं सहायक संघ फाउंडेड हेइथिला 1925 रे स्वामी श्रद्धानंदक मर्डर भी हेइथिला। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो अछि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सहित एसोसिएटेड जो सब मूवमेंट अछि तो यूनाइटेड प्रोविंस एक्चुअली स्ट्रांग बेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हेइथिला। तो अग्रारियन रियट अंडर लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र इका मूवमेंट अंडर मदारी फसी। तो एई जो हमर एका मूवमेंट कोठी अछि यूनाइटेड प्रोविंस रे तो हमर इका मूवमेंट को भी एथरे हमें एलिमिनेट करि परिबा। तो बादली सत्याग्रह गुजरात हमें जानिचे तो आंसर कौन हम आंसर हम बी पवना अग्रारियन मूवमेंट। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हु फाउंडेड द सत्यवादी स्कूल इन नेशनलिस्ट स्पिरिट इन ओडिशा। तो ओडिशा रिलेटेड क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन सब वर्ष आसुची तो सेमती किसी ओरी हेबार नहीं तुम जब टाइम होम ओडिशा रिलेटेड जो छोट क्विज बही अच्छी पढ़ीदेव मे भी तुम्हें मन रखी पार कि जस्ट गोटे आईडिया रहा दरकार कौन कौन सब जिन अच्छी तुम माइंड था ये जिन गुडा अच्छी तो ये दरकार। तो गोटे क्वेश्चन पे तुम बहुत ओडिशा ईयर बुक पढ़ा दरकार नहीं परे मेन बोल को सेटा पढ़ो एबे तुम पाखरे टाइम ना। तो सत्यवादी स्कूल किए फाउंड करते बहुत इजी क्वेश्चन आचार्य हरिहर मधुसूदन राव गोपबंधु दास कृपसिंधु मिश्र। आंसर हम गोपबंधु दास इजी क्वेश्चन ओके। तो जी जान तुम्हें ओडिया ओडिया सहित एसोसिएट हो पढ़ तो इजिली तुम जापर। तो जदि तुम कंटिन्यू करने चाहो सेसन तेल मुझे कंटिन्यू करी ना आम नेक्स्ट सेसन आम डिस्कस करवा ओके। तो यहाँ पर्टिकुलरली लास्ट क्वेश्चन थिला बोधे ना ना अच्छी आहरी सेवेन 2017 रो क्वेश्चन मत लगुच सरीगला कंप्लीट हो गला मुझे देखुची ओके। तो हाँ 2017 क्वेश्चन कंप्लीट हो गला अच्छी अच्छी। तो कैबिनेट मिशन रो जो हमर कैबिनेट मिशन सुनी छो हु अमंग दिस वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो यार आंसर दियो तो एबी अलेक्जेंडर वावेल स्टाफर्ड क्रिप्स पैथिक लॉरेंस। आंसर कौन हम 13 नंबर क्वेश्चन रो नो वावेल तो बहुत इजी क्वेश्चन जो मैंने कैबिनेट मिशन मेंबर माने जो तुम मन रखी ताले हिस्ट्री रो किछ तुम पढ़े न तेणु तुमको पूरा डिटेल पढ़िया पे पड़ो कैबिनेट मिशन विषय। तो कैबिनेट मिशन आम देखिपर लक्ष्मीकांत भी अच्छी सब बुक अच्छी कैबिनेट मिशन रो मेंबर लिखाई ओके। तो कैबिनेट मिशन 1946 आम जानचे तो सही टाइम रे क्लाइमेट अटली प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश रो। तो ये कौन है ना डिसीजन टू सेंड ए हाई पावर्ड मिशन टू थ्री ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर। ब्रिटिश कैबिनेट रो मेंबर किए थे से मिशन रो मेंबर पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया स्टाफर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरलिटी। ये तीन जन किए थे ब्रिटिश रो कैबिनेट मेंबर थे। तो इंडिया को समान आसले कौन पे ना वे एंड मीन्स फॉर ए नेगोशिएटेड एंड पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया। तो ब्रिटिश बीड फॉर ए यूनाइटेड एंड फ्रेंडली इंडिया एंड द रिजेक्टेड द डिमांड फॉर फुल प्लेस्ड पाकिस्तान। तो ये सब जिनस पढ़ो तो आंसर हम इजिली पाइपरला कौन वावेल वावेल प्लान जो अलग प्लान तो सी आउ गोटे प्लान मेंबर थे सिंगल मेंबर। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेटेस्ट क्राइसिस दैट अकबर फेस्ड इन 1980-81 वाज व्हेन। बहुत कष्ट क्वेश्चन एटा जो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल रखें इजी हो पाए। तो ये 1581 कौ जिनस मानते ग्रेटेस्ट क्राइसिस हिसाब से फेस करते अकबर सलीम मान सलीम रिवोल्टेड सलीम मान पुओ सी रिवोल्ट करते कि डिसग्रंटल नोबेल एंड ऑफिसर डिक्लेयर्ड अकबर हाफ अकबर्स हाफ ब्रदर मिर्जा हकीम एज द रूलर। नोबेल और ऑफिसर मैंने अकबर जो हाफ ब्रदर थे ना कौन मिर्जा हकीम सी रूलर हिसाब से डिक्लेयर करदे ना राणा प्रताप आमर बेटल ऑफ हल्दीघाट रे एस्केप कर गले आउ यूसुफ जय रिवोल्टेड इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो आंसर कौन हम जल्दी मेंशन करो। तो आंसर समस्त बी अच्छी बट मत लगुनि तुम
ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କ୍ଲିୟର ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି, ତମେ ଦେଖିଲେ ତମେ ଇଜିଲି ତାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ 668 ପୁନମ ଦଲାଲ ବୁକ୍ରେ ଯଦି ଯିବ, ଏଠି ଦେଖିବ ଆମର ରିବେଲ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ 1580 ଆଉ 81 ର ଯୋଉ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟର ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ ଯୋଉ ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ମେନସନ ହେଇଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖ, ବେସିକାଲି ଦ ଆଫଗାନ ୱେୟାର ଏଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସିନ୍ସ ଦେ ୱାର ଓଭରଥ୍ରୋନ୍ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଦ ମୋଗଲ ବାଇ ଦ ମୋଗଲ। ତ ତାଙ୍କ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମର ଆମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ତ ଡିସ୍କସ୍ କରୁନି, ବଟ୍ ତମେ ଯାଇକି ସେ ବୁକ୍ ପଢିବ ସେଇ ପେଜ କୁ, ତ ମିର୍ଜା ହାକିମ ନେମ୍ ଦେଖ ମେନସନ ହେଇଛି। ତ ଆକବର୍ସ ବ୍ରଦର ମିର୍ଜା ହାକିମ ହୁ ୱାଜ ଇନ୍ କାବୁଲ ଆଜ ଦେୟାର କିଙ୍ଗ, କିଏ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ନା, ଦ ନୋବେଲ ଅଣ୍ଡର ଲିଡରସିପ ଅଫ ମସୁମ ଖାନ କାବୁଲି, ରୋଶନ ବେଗ, ମିର୍ଜା ସରଫୁଦ୍ଦିନ, ଆରବ ବାହାଦୁର ଡିକ୍ଲାର୍ଡ ଆକବର୍ସ ବ୍ରଦର ମିର୍ଜା ହାକିମ ହୁ ୱାଜ ଇନ୍ କାବୁଲ ଆଜ ଦେୟାର କିଙ୍ଗ। ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି କ୍ରାଇସିସ ଫେସ୍ କରିଥିଲେ କିଏ, ଆକବର। ତ ଆନ୍ସର ହବ ବି ହବ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଠିକ ଦେଇଛ। ହ୍ୱିଚ କମିଶନ ଅଣ୍ଡର ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ପ୍ରିପେୟାର ଦ ଫ୍ୟାମିନ କୋର୍ଟ, ଫ୍ୟାମିନ କୋର୍ଟ, ଫ୍ୟାମିନ କମିଶନ, ଏମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। ତ ଫ୍ୟାମିନ କୋର୍ଟ ମାନେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ ବା କିଏ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, ୱେଲବେ କମିଶନ, ଷ୍ଟ୍ରେଚି କମିଶନ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ, କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ନନ୍ ଅଫ ଦ ଇଜ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଆନ୍ସର କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ବି ଡି ସି ଏମିତି ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ପଢୁନ, ତ ତମେ ପୁରା ଡିଟେଲ ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ, ଫ୍ୟାମିନ କୋଡ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିନି ଯେ ଇଏ ଫ୍ୟାମିନ କୋଡ୍ ଆଣିଥିଲେ ବୋଲିକି, ବଟ୍ ତମେ ଯଦି ଲିଙ୍କ କରିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତ 2018 ରେ ଦେଖ, 18 ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ବି ଅଛି। ତ ଆନ୍ସର ବି କଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲର୍ଡ ଲାଇଟନଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କିଏ ଇଏ କରିଥିଲେ, କିଏ କୋଉ କମିଶନ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ଫ୍ୟାମିନ କମିଶନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରେଚି, ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ 1878। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଟିକେ ପରେ ଦେଇଥିବେ, ତେଣୁ ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆସିଲା ନା, ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଆସିଥିଲା ବା ଫ୍ୟାମିନ କୋଡ୍ ଆସିଥିଲା, ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ 1883। ତ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବନି, ଗୋଟେ ପିରିୟଡ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରେଚି କମିଶନ, ବଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆମର କୋର୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କେବେ ହେଲା, 1883 ରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ତମେ ଲିଙ୍କ କରିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହବ କଣ, ରିଚାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚି ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ, ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦବା, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନକୁ ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା। ଦ ସେସନ ଅଫ ଅଲ୍ ପାର୍ଟିଜ ମୁସଲିମ କନଫରେନ୍ସ ହେଲ୍ଡ ଏଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ 31 ଡିସେମ୍ବର 1920 ୱାଜ ଇଜ୍ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ୍ ଓଭର ବାଇ ଆଗା ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ସାଫି, ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା, ଫଜି ହୁସେନ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କଣ ହବ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। ତ ଆନ୍ସର ହବ କଣ, ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଏ ଦେଲେଣି, ତ ଆନ୍ସର ଏ ହବ। ତମେ ଯଦି ବୁକ୍ କୁ ଯିବ, ବୁକ୍ କୁ ଯାଇକି ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଆନ୍ସର ସି ହବ, ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମୁସଲିମ କନଫରେନ୍ସ ଫର୍ମୁଲେଟ୍ ଦ 14 ପଏଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଜିନ୍ନା। ଦେଖ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଛି, ଅଲ୍ ପାର୍ଟି ମୁସଲିମ କନଫରେନ୍ସ ହେଡ୍ କିଏ କରିଛନ୍ତି, ଜିନା ଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି 1929 ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ରେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିଛି ନା, 31 ଡିସେମ୍ବର 1928 ୱାଜ ପ୍ରିଜାଇଡେଡ ଓଭର ବାଇ। ତ ଯୋଉ 31 ଡିସେମ୍ବର 1928 ଆଉ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ରେ। ତ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ବି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ତ ୟାକୁ ବେସ୍ କରିକି ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦଉଛି କଣ, ଜିନା। ତ ତମେ ଯଦି ଏ କହୁଛ, ଆଗା ଖାନ କୋଉଠି ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତ ତାର ପ୍ରୁଫ ତମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ୟାକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ଓପିଏସ୍ସି ପଚାରୁଛି, ବଟ୍ ସେ ନିଜେ ବି ସେ ଆନ୍ସର ଜାଣିନଥିବ, ତ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ପଚାରୁଛି, ସେ ତମେ ନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ପାଇବନି କି ଅପସନାଲ ବୁକ୍ରେ ବି ପାଇବନି, ତମକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରାଜପୁତ ପିରିୟଡ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ବିନୟ ସେଥି ସ୍ଥାପକ ୱାଜ ୟୁଜ ଇନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ।
चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ ट्रेजरी, मैनेजर ऑफ द प्लेस, चीफ ऑफ द कोर्ट. डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर्यंत बुक. तो आंसर कौन हम विनय स्थिति स्थापक. तो समस्त बी आंसर दूसरी. तो बी आंसर ठीक अच्छे कि चीफ ऑफ द ट्रेजरी विनय स्थिति स्थापक. तो ये ओएफएस ऑप्शन थे बोधे. तो देखा 31st पेज को जीवो इंपोर्टेंट ऑफिशियल अच्छी गुप्त एज रे राजपूत एज रे से क्वेश्चन पचार बट से सेम सेम आम कहीपर विनय स्थिति स्थापक मान तार सेम जिन से ऑफिशियल कहीपर. तो ऑफिशियल देख लिखाई महाप्रतिहारी दंड प्रति दंड दंड पशिक ये सब जिन अच्छी. तो विनय स्थिति स्थापक चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर. तो चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर कौ ऑप्शन रे अच्छी. मैनेजर ऑफ द पैलेस. तो एटा मे बी हेबो. ओके तो रिलीजियस अफेयर माने कौन. रिलीजियस अफेयर माने हमें ट्रेजरी कोई परिवानी, आर्मी कोई परिवानी, चीफ ऑफ द कोर्ट भी कोई परिवानी. तो मैनेजर ऑफ पैलेस ही थाई पारे बट मु जानिनी. तो मु रेफर करकी मु किछ पाइलिनी. तो एटा गुप्त एज रो जो एडमिनिस्ट्रेशन देछि ए पार्ट रे. तो एटा डायरेक्टली देछि चीफ ऑफिसर ऑफ रिलीजियस अफेयर. तो तमे देखिबो देखिकी तमे कमेंट सेक्शन रे पुनी मेंशन करिवो. ओके तापरे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अब्रॉड. वीर सावरकर, लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त आउ श्यामजी कृष्ण वर्मा. इजी क्वेश्चन जदि तमे पढ़ीच इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किए लिखते. बी आंसर देछि सूर्य नारायण सिंह, विकास बी, राजेश स्वाई बी. समस्त बी आंसर देछि. नमिता देछि ए. तो एबे देखिबा आंसर कोन देखिबा. समस्तंकर आंसर भूल अछि. राजेश स्वाई आंसर ठीक देछि एबे. तो तमे जदि स्पेक्ट्रम बुक को जीवो स्पेक्ट्रम बुक रे एंती कि मेंशन अछि टेबल लास्ट आड को देखबो अपेंडिक्स सब थिबो. तो अपेंडिक्स रे देखिबो सही अपेंडिक्स तमे मु कहि छि जे तमे पढ़ आर्यंत पब्लिकेशन बुक बट तुमको एटलिस्ट तुमको अपेंडिक्स गुडा को जीवा पई पढ़ कहार ना स्पेक्ट्रम बुक रो. तो स्पेक्ट्रम बुक रो लास्ट पार्ट रे जो अपेंडिक्स देछि बहुत सारा इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन जो सेतरे अछि. तो ए जो पार्ट टा गोटे सेटा. तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किए लिखछंती श्यामजी कृष्ण वर्मा. तुमको विजिबल हो नथिबो बट तुम बुक को जाइकी देखिबो 877 पेज को. तो आंसर इजीली रेफर करि परिबो. तापर देखो इन व्हिच ऑफ द सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट फॉर फर्स्ट टाइम. तो इंडिया रो स्टेट मानको पई कांग्रेस रो पॉलिसी को डिक्लेयर केबे को सेशन रे कला. नागपुर सेशन, कोलकाता सेशन, गया सेशन, लखनऊ सेशन. आंसर जल्दी को. देवस्मिता कहि आंसर ए. रंजिता कहि नागपुर ए. राजेश स्वाई ए. काजल नागपुर. सूर्य नारायण ए. तो आंसर कौन हम नागपुर हम. किंतु तुम कहीपर मत बुझे पार मुझे गुगुल मेट्रे था तुमको पचार था डायरेक्टली तुम नागपुर केमती कहल. तो तुम मे भी बुझे पार था किसी पिला बुझे पार ना. तो ये देख डायरेक्टली से देनी 93 पेज से डायरेक्टली देनी जो नागपुर सेसन रे कौन देखी था नागपुर सेशन एल्सो मेड चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस माने कौन ना कांग्रेस रो जो तार कॉन्स्टिट्यूशन थिला बा तार जो माने तार जो हायरार्की थिला कि तार एस्टेब्लिशमेंट जो थिला सेटा कोन ला चेंजेस बारे लागिला. सब स्टेट मानकर जो किमा प्रोविंस सेतोले थिला स्टेट तो ना नथिला प्रोविंस थिला. तो से प्रोविंस मानकर आमे जेमती एबे जदि देखु छे प्रदेश कांग्रेस कमिटी से जो सिस्टम डा एबे हमर कोन अछि प्रदेश कांग्रेस कमिटी अछि स्टेट रे मास्टर कैंटीन रे कांग्रेस पार्टी ऑफिस अच्छी ना नहीं. तो सीटा गोटे कौन प्रदेश कांग्रेस कमिटी. तो
ସେଇ ଜିନିଷଟା କୋଉଠୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ଇଭଲ୍ଭ ହେଇଛି, ନାଗପୁର ସେସନରୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ତାର ଯୋଉ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ସେଇ ଟାଇମରୁ କରିଛି, ତ ତାକୁ ତମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟକୁ ରିଲେଟ୍ କରିକି ତମକୁ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଏଇ ୟାକୁ ଡିଟେଲ ତମେ ଦେଖିପାରିବ କୋଉଠି, ଆମର ଦେଖିପାରିବ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବୁକ୍ରେ, ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି December 1920 ନାଗପୁର ସେସନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟି, କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କିଂ କମିଟିକୁ ବେସ୍ କରିକି ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠୁ ଆମର ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ପଲିସି ଡିକ୍ଲାର କଲା। ତାପରେ ହୁ ୱାଜ ଦ ଅଥର ଅଫ ଦ ବୁକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଫ ଦ ଇଷ୍ଟ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ବହୁତ ଟଫ ଥିବ, ମାନେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ବି ନାହିଁ, ଆରିଆନ୍ରେ ବି ନାହିଁ। ତ ଅଲଗା କୋଉ ବୁକ୍ରେ ଅଛି ତମେ ରେଫର କରିପାରିବ, ତାର ଲିଙ୍କ ତମକୁ ତମେ ସେୟାର କରିପାରିବ ମତେ। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଅଫ ଦ ଇଷ୍ଟ ବୁକ୍ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲରେନ୍ସ ଲାଇଟନ କର୍ଜନ ଚର୍ଚିଲ। ତ ପିଓରଲି ଏସବୁ ବୁକ୍ ଯେହେତୁ ଆମର ଜେନେରାଲ ବୁକ୍ରେ ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ କିମ୍ବା କୋଉ ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ସେ ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ଆମେ ଲେଟ୍ କରିବାନି, ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ତ କର୍ଜନ ତମେ ପଢିବ, ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ତମେ ମେନସନ କରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଅନ୍ ଗିଭିଂ ସେଲ୍ଫ ରୁଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ 1940, 04, 05, 06, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ଫିରୋଜ ଶାହ ମେହେତା, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଦାଦାଭାଇ ନାରଜୀ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ହେବ ସି, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ବଟ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ ବି 1906ରେ ସ୍ୱରାଜ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ସେସନରେ ଯେହେତୁ କରିଥିଲେ, ବଟ ସିଏ 1905ରେ ଆସୋସିଏଟ ନଥିଲେ କି 1907ରେ କମ୍ ଆସୋସିଏଟ ଥିଲେ, ବଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୋସିଏଟ କିଏ ଥିଲେ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବା ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଦେଖିବା, ଦ ଏଡିଟର ଅଫ ଦ ପେପର ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ୱାଜ ନନ୍ ଟୁ ହାଭ ହେଲ୍ପ ଦ ସାନ୍ତାଲ ରିଭଲ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭଲ୍ଟ, ରିଭଲ୍ଟ ଅଫ ମୁଣ୍ଡା, ନନ୍ ଅଫ ଦ ଅବଭ। ଜଲ୍ଦି ଆନ୍ସର ଦିଅ, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ, ବା ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ ର ଏଡିଟର କିଏ ଥିଲେ, ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ କୋଉ ରିଭୋଲ୍ଟ କୁ ସେ ଉସ୍କେଇଲେ ବା ହେଲ୍ପ କଲେ, ଦେବସ୍ମିତା ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ବି। ତ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଗୋ ରିଭୋଲ୍ଟ କେବେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତମକୁ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ବେସିକାଲି ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ କି କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିବ ତାର ଆନ୍ସର ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର ବି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର କଣ ହେବ। ମୁଁ ବୋଧେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଓକେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଦେଖିବା। ଆଠ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହଁ ହଁ ଏଇ ପାର୍ଟଟା। ତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଯୋଉ ଆମର ଏଡିଟର ଥିଲେ, ଏଇ ପାର୍ଟଟା କୋଉଠି ତମେ ପାଇବ ନା, ଯଦି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କୁ ଯିବ 1953ରେ କୋଲକାତାରେ ସେଇ ଯୋଉ ପବ୍ଲିସ ହେଇଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ ବୋଲିକି। ତ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ। ତ
ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 1853ରେ ହେଇଥିଲା। ତ 1853 ପରେ ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତମକୁ ମେନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ସାନ୍ତାଲ ଅପରାଇଜିଂ 1855ରେ ହେଇଥିଲା। ତ ମେ ବି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆନ୍ସର ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ସାନ୍ତାଲ ରିଭୋଲ୍ଟ। ଓକେ, ତ ତମେ ଆନ୍ସର ଦେବ, ଯଦି ତମେ ଆନ୍ସର ତମେ ବି କହୁଛ, ଇଣ୍ଡିଗୋ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ତାକୁ ବି ତମେ ରେଫର କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁଇଚ୍ ନେମ୍ ଏମଙ୍ଗସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଡ୍ରପ୍ ବାଇ ଅବୁଲ ଫଜଲ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆକବର୍ସ କୋର୍ଟ। ବହୁତ ଫାଲତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ତଥାପି ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କର, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆନ୍ସର ଦେଇଛି ଏ, ରଞ୍ଜିତା ଡି, ଚନ୍ଦନ ସି, ଦିବ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଡି। ତ ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କୋଉଟା ହବ? ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ୟାର ଆନ୍ସର, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମେନସନ କରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଆନ୍ସର ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ ତମେ ଦେବ, ତା ରେଫରେନ୍ସ ଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଖୋଜିଛି ଜଷ୍ଟ ରେଫର କରିଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଶିବାଜୀ ଟାଇମରେ ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିଚର ଥିଲେ ଗୁରୁ ରାମଦାସ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତ ତାନସେନ ଥିଲେ ଆକବରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ଜାଣିଛି। ବଟ ଏଇ ଯୋଉ ଥିଲେ ସୁରଦାସ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ବାଇଜୁ ବାୱାର ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାଇଜୁ ବାଇଜୁ ବାୱାର ଥିଲେ, ଓକେ, ବାଇଜୁ ବାୱାର ଥିଲେ। ଆମର ରାମଦାସ ତ ଏଠି ରହିଲେ, ତାନସେନ ବି ତ ଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ଫେମସ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ସୁରଦାସ ଆଉ ରାମଦାସ, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିବ ଆନ୍ସର ଦେଖିବ। ଓକେ, ତ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଇଛ ଆନ୍ସର, ମେ ବି ସୁରଦାସ ହେଇପାରେ। ତ ସୁରଦାସ କିଏ ତମେ ଆଗ ଜାଣିଲେ ତାର ଆନ୍ସର ଜାଣିପାରିବ, ତେଣୁ ତମେ ଚେକ୍ କରିକି କହିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ୟୁରୋପିଆନ ନେସନ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କହିଦେଉଛି, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ। ଓକେ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଆଣିଥିଲେ। ତ ୟାକୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦଉନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯୋଉ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ତାକୁ ନିଜେ କରିଦେଉଛି, ତମେ ଜଷ୍ଟ ରେଫର କର। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦିୱାନୀ ଅମର କୋଠି ଡ୍ୟୁରିଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ, ୟାର ଆନ୍ସର ତମେ ଦିଅ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଇଲତୁତମିଶ। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଦିୱାନୀ ଅମିର କୋଠି କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ, ଇଲତୁତମିଶ। ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ତ ତାକୁ ଯଦି ତମେ ରେଫରେନ୍ସ କରିବ, ଦେଖ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛି, ପୁନମ ଦଲାଲ ବୁକ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବ, ନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଆମର ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ଦିୱାନୀ ଅମର କୋଠି ତକାଭି ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା କଲ୍ଟିଭେସନ ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆମର ମୋଗଲ ପିରିୟଡ଼ରେ କିଏ ଅଥର୍ବବେଦକୁ ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ କରିଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଥିଲେ? ତ ମଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୈସି ହେବନି, କଫି ଖାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ, ଅମୁଦ ହମିଦ ନଗରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ସର ହେବ ହଜି ଇବ୍ରାହିମ ସରହିନ୍ଦ। ବଟ ହଜି ଇବ୍ରାହିମ ସରହିନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ ବା ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଥିଲେ ବୋଲିକି ମୁଁ କୋଉ ସୋର୍ସରେ ବି ପାଇନି। ତ ତମେ ଯଦି ସୋର୍ସରେ ପାଇବ ତାହେଲେ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ, ଚେକ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ପାଇବ, ସେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇବ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମେନସନ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ ତଭାଗା ରିଭଲ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 1946ରେ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି? ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା, ଆଫ୍ଟର ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ହୁ ୱାଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ହାଉସ ଅଫ କମନ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ 1890। ତ 1890ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକୁ ସ୍ପିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ହାଉସ ଅଫ କମନ କୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଲେ? ଆର୍ସି ଦତ୍, ମାଡାମ ଭିକାଜି କାମା, ଆର୍ପି ଦତ୍, ଆଉ ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜି। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହ? ହାଉସ ଅଫ କମନ କୁ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କିଏ 1890ରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ? ନାରୋଜି। ତ ଆନ୍ସର ହବ ନାରୋଜି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ 2019ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ଜଷ୍ଟ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହେଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ତମେ ଆପିୟର ବି କରିଥିଲ, ବହୁତ ସାରା ଫେଲ୍ ବି ହେଇଛ, ବା ମାନେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ପାସ୍ କରିନ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ କୋଉଥିପାଇଁ ତମେ ଫେଲ୍ ହେଲ ତମେ ନିଜେ ଆନାଲାଇଜ୍ କର। ଓକେ, ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଦ ନ୍ୟୁମେରିୟସ୍ କେଭ୍ ଅନ୍ ଉଦୟଗିରି ଆଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡଗିରି ହିଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା
testify to the continued existence of Jain faith in Odisha, popularity of Buddhism in Odisha, existence of both Buddhism and Jainism in Odisha. Ashoka made special contribution to ancient art of Odisha. The answer kon hobo jaldi kuo. तो आंसर है वो ए कौन पे ही? तुम्हें ए या को रेफर करी परिवो 301 पेज को जदी जीवो सेट देखो हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन विषय कहि छी आ उदयगिरी आ हमरो खंडगिरी विषय कहि छी तो एथरे बेसिकली कौन ना फॉलोअर ऑफ जैनिज्म एंड प्रोवाइडेड केव शेल्टर फॉर जैन मॉन्क इन उदयगिरी हिल द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन प्रूव्स दैट Jainism entered Odisha and probably became state religion within 100 years of death of Mahavira. So inscription taro na kon pe hichi na because of the image of an elephant is carved out of stone next to the boulder carrying the inscription. The inscription tells us that he was a follower of Jainism and had fought many successful battle against his neighbor. Tapre dekho next question. Which of the following Ashokan inscription indicate that he did not abolish capital punishment? So, yaro answer bhi mu janini. So, yaro answer tumhe jodi kahucho kichhi tahale tumhe proof sahito mote kahibo. Reference point dabo, source dabo, okay? So, yaro answer just net search karlo, D pailo ki C pailo mote semti dorkar nahi answer. At least source thiba dorkar. Tapare dekho 3 number question. Which of the following is the rock cut sculpture of Mauryan period? तो मौर्यन पीरियड रे रॉक कट स्कल्पचर के एडा सब बहिरे अछि तमे जदि मु जस्ट डायरेक्ट तमको क्वेश्चन न पचारि कि डायरेक्ट देखौ छी पूनम दलाल बुक को जीवो मौर्यन आर्ट एंड स्कल्पचर को जीवो एटी जदि देखिबो टिके तलको अछि द रॉक कट्स आर्किटेक्चर ऑफ लमास रिप्सी केव इन बराबर हिल इन गया मजिस्मेटिक दौली केव नियर भुवनेश्वर ओडिसा व्हिच कंटेन द रॉक स्कल्पचर ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ एन एलिफेंट इज मैग्निफिसेंट तो बहुत बढ़िया मतलब लुक अच्छी तारो देखिबो एलिफेंट रो स्ट्रक्चर ओके तो आंसर हबो धौली एलिफेंट तापरे सन टेंपल बिल्ट एट गया ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड हैज एन इंस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नेम ऑफ सुल्तान ट्वाइस हु इज दिस सुल्तान तो मु बुझिला बळ को भी तमे कमेंट सेक्शन में मेंशन करि परिबो आंसर तो मु जस्ट 5 सेकंड वेट करबि तापरे तो मानुकु बुझेबि तो देखो गया रे जो सन टेंपल बिल्ट हेतिला से ते सुल्तान कर ना दी थरो लेखा हेतिला से सुल्तान किए अलाउद्दीन खिलजी ना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ना मोहम्मद बिन तुगलक ना फिजर फिरोज शाह तुगलक तो आंसर कौन हबो आंसर हो फिरोज शाह तुगलक ओके तापर देखो नयनंकर सिस्टम ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज मॉडल्ड ऑन द इक्ता सिस्टम ऑफ द सुल्तानेट वॉरफेयर ऑफ द सुल्तान लीगल सिस्टम ऑफ सुल्तानेट नॉन ऑफ दिस तो यार आंसर कौन हबो कहले मते 5 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कौन हबो समस्त ए आंसर दिछो आंसर ए ही हबो किंतु इक्ता सिस्टम तमे जानिथिबा दरकार ना नहीं तो इक्ता सिस्टम रे कोन होए ना गॉड किंग तारो पावर टा को डिसेंट्रलाइज कर दिथे डिसेंट्रलाइज इन द सेंस सेतबेले किंग कोन फंक्शन करथले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑप्शनल तमे देखिथिबो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जार ऑप्शनल से कोन से कोन करंती ना तांकर एडमिनिस्ट्रेशन रे किंग तांकर समस्त को इंडिपेंडेंट जेतबेले कर दियंती से गोटे गोटे सब किंग बा तांको जो गवर्नर किवा से गवर्नर कहि परिबा गवर्नर तो नो से इक्ता जो कहउछंती से इक्ता अंडर से माने ताको पावर दे दिथांती से माने निजे रेवेन्यू जनरेट करिवे तांकर निजर मिलिट्री रहइबो जेतेबेले वार हबो हमर राजा को सपोर्ट करिवे बा किंग को सपोर्ट करिवे तो सेही सेम सिस्टम नयनकर सिस्टम रे अछि तो ए पार्ट भी लेखाय छि तमरो आर्यन बुक रे मेंशन अछि तो नयनकर सिस्टम देखो लेखाय छि अंडर दिस सिस्टम मिलिट्री चीफ वेयर असाइंड certain pieces of land called amaram these chief known as nayako had revenue and administrative right on their land so they are required to maintain elephant horses
soldier in certain number which were included in the royal army during war. So they also had to pay a sum of money to central exchequer. In course of time, Nayaka began to assert their military, administrative and economic power, which later became a major cause of decline of Vijayanagara empire. So buji parlo eta Nayaka system kono. तापर देखो हु अमंग देखो लक्ष्मी प्रिया दास टिके लेट रे आंसर दोचंदी पुर्तगाल एबे आंसर दोचंदी छी ओके तो मे बी तमरो लाइव जो अछि लाइव रो टिके आउ टिके आगु जाओ लाइव सेशन को आसो हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर आफ्टर हिज रिकवरी फ्रॉम इलनेस और प्योर फॉर ईयरलिंग एज टोकन ऑफ थैंक टू द सफिशिएंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो चिश्ती ऑर्डर जो अछि तारो फाउंडर थिले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो सेही टाइम रे जो जेतेबेले गोटे जने किंग मुगल किंग से मे बी हुमायून हेते परंती बाबर हेते परंती अकबर हेते परंती जहांगीर हेते परंती शाहजहां हेते परंती तो किए रिकवरी हेला परे हमर और प्योर इयररिंग एज ए टोकन ऑफ थैंक टू सूफी सूफी माने इयररिंग टोकन ऑफ थैंक हिसाब रे से सूफी सेंट को देले तो को किंग हुमायून ना अकबर ना जहांगीर ना शाहजहां तो आंसर रे मु देखी छी जहांगीर किंतु अकबर सहित एसोसिएट जो सेंट थिले तांको नाटा अलगा तो तमे देखिबो जहांगीर जदी अछि तमे को 8th रे मते भी कहिबो ओके तब देखो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन खलसा खलसा द सोसाइटी ऑफ प्योर वाज फाउंडेड इन 1605, 1627, 1699, 1707. तो आंसर कौन हो? या कोई जल्दी एक्सप्लेन करूँ ची सातों नंबर क्वेश्चन को. देखो, इटा भी हमारो तुम्हें पाइवो जो आर्यन बुक रे, सबू सिख सिखी जिम बा सिख रो गुरु मानो को भी सब दे ची. तो ये देखो गुरु गोविंद सिंह 1672, 1780 तंकर जो टेन्योर थिला, he was 10th and the last Sikh guru. He organized a community of warrior called Khalsa. On the Boisaki day of 1699. तो आंसर हो कौन? 6C. तो ये पूरा डिटेल तो मैं पढ़ी हूँ, डिटेल कवर करूँगी. तापरे मराठा क्लेम ऑफ अवन्यू फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड एडा तुम्हें कन्फ्यूजन हो सरदेश मुखी है ना चौट है ना जम्मा है ना अवाब है तो ये दुटा भीतर कन्फ्यूजन हो सरदेश मुखी आउ चौट तो आंसर कौन हो? स्वर्देश मुखी हो ओके कौन पे हमें देखिए स्वर्देश मुखी जदी हो ताले कौन पे चोट कौन पे हेबोनी तो देखो शिवाजी को रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने इदिटा पार्ट हला तो जतबेले लैंड रेवेन्यू को असेस करिवार थाए बेसिकली मेजरमेंट को बेस करिके असेस करा जाए तो द काठी ऑफ अंबर वाज अडॉप्टेड एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट जदी काठी ओटे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हिसाब रे अडॉप्ट करा जाए तो एते चोट जो अछि Chowt is 1/4 of the land revenue paid to the Marathas, so as not to be subjected to Marathas raid. तो जो दिस माने चोट देबे, से जो protectorate state माने, तंकोरे जो लोको माने, जो दिस माने चोट देबे, इडा मराठा मान करे area, particular core area उटे होची, आउटे, आमरो ये माने जत्थी की समाने अख्तियार कर चुन्ती, तो ये area उटे होची, तो ये लोको माने रहो चुन्ती, तो ये लोको माने केते बेले से माने खुशी रे रही परिबे ठीक रे रही परिबे ना जेते बेले से माने चोट देबे तो चोट जदी न देबे ताले मराठा कोन करिवो तांको अटैक करिवो तो ए जो रेवेन्यू क्लेम को एक्चुअली कोन को आउची चोट को आउची बट सरदेश मुखी कोन को आउची ना एडिशनल लेवी इट इज नथिंग बट एडिशनल लेवी ओके तो एटा का को लैंड ऊपर दिया जाए ना दोज लैंड ऑफ महाराष्ट्र ओवर व्हिच मराठा क्लेम्ड हेरिडिटरी राइट तो हेरिडिटरी राइट को युटी क्लेम करंती ताकू सरदेश आमर चौट कह जाउ छी बट व्हिच फॉर्म पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर भी इतरा पार्ट हे गला माने मुगल एम्पायर पार्ट हेतिबो आउ से माने हेरिडिटरी राइट हिसाब रे से माने नउ चंती ताकू आमर कोन हो एडिशनल लेवी पडिबो तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बॉम्बे नाउ मुंबई अक्वायर्ड बाय इंग्लिश ओरिजिनली बिलोंग टू पोर्तुगीज डच डेन्स फ्रेंच आंसर कौन हो
ଆନ୍ସର ହେବ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତ ତମେ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁନି, ତମେ ନିଜେ ଦେଖିବ। ଏର ଆନ୍ସର ବି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଦେଖ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବ ସେମାନେ କେମିତି ଡିକ୍ଲାଇନ୍ ହେଲେ ନା, ଏଠି ଦେଖ ଇନ୍ 1661 ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ କିଙ୍ଗ ଗେଭ୍ ବମ୍ବେ ଟୁ ଚାର୍ଲସ ଟୁ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଜ୍ ଡାଉରୀ ଫର୍ ମ୍ୟାରିଂ ହିଜ୍ ସିଷ୍ଟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମର୍କାଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍, ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ମର୍କାଣ୍ଟାଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଫାଇନାନ୍ସ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ସକ୍ସେସିଭ ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍। ଦିସ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ୍ ବାଇ ହୁମ୍। ତ ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ, ଦାଦାଭାଇ ନାରୋଜୀ, ଆର୍ସି ଦତ୍, ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ଦିଅ, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଆଉ 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା, 10 ନମ୍ବର ପରେ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ, 2 ବା 5 ମିନିଟ ଲାଗିବ ଟୋଟାଲ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଜଲ୍ଦି କୁହ। ଆମର ତିନିଟା ଫେଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ମର୍କେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଫେଜ୍, ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ମର୍କେଣ୍ଟାଇଲ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍, ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍। ଏଇ ତିନିଟା ଫେଜ୍ କାହାର ଗୋଟେ କାହାର ବେସିକାଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ବ୍ରିଟିଶର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଲେ, କୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି କହିଲେ, ତାକୁ ତମକୁ ଆନ୍ସର ଦେବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସିଂ ଏ, ରଞ୍ଜିତା ଜେନା ସି, କାଜଲ ବି, ଦେବସ୍ମିତା ଏ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଆନ୍ସର ବି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତମେ ବେସିକ ଜିନିଷ ତମେ ଯଦି ଏଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସୁନି, ସେ 75 ପେଜ୍ର ଆରିଆଣ୍ଟ ବୁକ୍ରୁ ଆସୁଛି। ତ ଆରିଆଣ୍ଟ ବୁକ୍ରେ ଦେଖ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛି, ତିନିଟା ଫେଜ୍ ଦେଇଛି, କୋଉ ବୁକ୍ରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିନି ଏଇଟା। ଦ ଗ୍ରାଜୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସିଆଲ ପଲି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଟ୍ରେସ୍ ଥ୍ରୁ 3 ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ କଲୋନିଆଲିଜିମ୍ ବାଇ ଆର୍ପି ଦତ୍ତ। ତେଣୁ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ତ ତିନିଟା ଇକୋନୋମିକ ଫେଜ୍ ଯୋଉ ଅଛି, ଇୟର୍ଲି ଫେଜ୍ 1600 ଟୁ 1757, ମର୍କେଣ୍ଟାଇଲ ଫେଜ୍ 1757 ଟୁ 1813 ଫେଜ୍, ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫେଜ୍ 1813 ଟୁ 1858, ତାପରେ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ 1858 ରୁ ତାପରେ ଅଛି। ତ ତିନିଟା ଫେଜ୍ ବେସିକାଲି ଇୟର୍ଲି ଫେଜ୍କୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ଫେଜ୍, ମର୍କେଣ୍ଟାଇଲ ଫେଜ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫେଜ୍ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ଫେଜ୍। ଓକେ, ତ ୟାର ଆନ୍ସର ତମେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖ 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ଫର୍ ପିଜେଣ୍ଟ ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ 1857 ରିଭୋଲ୍ଟ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ଲି ହାଇ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିମାଣ୍ଡ। ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅପରୁଟେଡ୍ ବାଇ ଅପରୁଟେଡ୍ ଦ ଅର୍ଡିନାରି ପିଜେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଲ୍ସୋ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଦ ଜେଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି। ଦ ବେନିଫିସିଆରି ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ପଲିସି ୱାର୍ ଏଲ୍ସୋ ନଟ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁନି। ଦ ଓନ୍ଲି ମେଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଲେଟ୍ 19th century ୱାଜ୍ କଟନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ, ଜୁଟ୍, ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉ ମେଜର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଲେଟ୍ 19th century? ଲେଟ୍ 19th ମାନେ 1850 ପରେ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର ହେବ ଡି, ନା ଡି ତ ନୁହଁ, ଡି ତ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିଲା। 616 ପେଜ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ସେଠି ଦେଖିବ, ଚାପ୍ଟର ନମ୍ବର 32 ଅଛି, ସେଥିରେ ଦେଖ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ। ତ ଏଇଥିରେ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଦ 19th century ହର୍ଡେଲ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ ଥାଉଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ରେଲୱେଜ ୱେର୍ ହାର୍ବିଙ୍ଗର ଅଫ୍ ଦ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ। ଫର୍ଦର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ କେମ୍ ୱିଥ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ସିଲିଆରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଏଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ରେଲୱେଜ। ଦ କୋଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟଡ ଏ ଲାର୍ଜ ୱାର୍କିଂ ଫୋର୍ସ, ଦେନ୍ କେମ୍ ଟୁ ଦ କଟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତ ଆମର କଟନ ଆଣ୍ଡ ଜୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଇ ଯୋଉ କୋଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ବେସିକାଲି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା, ବା ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନାଁଟା ବି ମେନସନ ନାହିଁ, କୋଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ମେନସନ ନାହିଁ। ତ ବେସିକାଲି କଟନ ଆଉ ଜୁଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ମେଜର ହେଇକି ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ଏ, ଫାଷ୍ଟ ହେବ କଟନ ଟେକ୍ସଟାଇଲ। ଓକେ, ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓମେନ୍ସ କନଫରେନ୍ସ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ 1927 ଟୁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବକବାସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ।
promote women education, increasing women share in legislature, enhance women employment, campaign for women voting right. तो आंसर कोउटे भी हबो तमे कंफ्यूज हेजो तो आंसर कोड हबो देखियो तमे कोन कहउछो 13 नंबर क्वेश्चन आंसर हबो देखिबा कोन हबो तमे तो ए दउछो समस्ते तो मु आंसर ए बाहर करछि 230 पेज जीवो स्पेक्ट्रम बुक को जीवो स्पेक्ट्रम बुक रे देखो लेखाय छि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय मार्गरेट कजिन इन 1927 वाज परहैप्स द फर्स्ट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन विथ एन इगालिटेरियन अप्रोच इट्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे इंपोर्टेंट फाउंडिंग मेंबर इंक्लूडेड महारानी चिन्मयबाई गेक्वाड रानी साहिबा ऑफ सांगली सरोजिनी नायडू कमला देवी चट्टोपाध्याय लेडी दोराब टाटा यार ऑब्जेक्टिव इटि थिबा कथा यार ऑब्जेक्टिव वेयर टू वर्क फॉर ए सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इंटीग्रिटी इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू सिक्योर फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग द एसेंशियल ऑफ लाइफ नॉट डिटरमाइंड बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ और सेक्स बट बाय प्लान्ड सोशल डिस्ट्रीब्यूशन So for this purpose, All India Women's Conference worked towards various legislative reform before and after India's independence. So example are Sarda Act 1929, Women Right of Right to Property Act 1937, Factory Act 1947, Hindu Marriage Divorce Act 1954, Special Marriage Act 1954, Hindu Minority and Guardianship Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, and suppression of immoral traffic in women act 1958 तो आंसर तुम्हें कोठि तो आइलो ए बोली को छ तुम्हें मते को तो यार भी तुमको टारगेट रहला जे यार भी आंसर तुम्हें जस्टिफाई करिके कहबो ओके जस्टिफाई करिके देबो तापर लास्ट क्वेश्चन आजिरो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल इन द रेड फोर्ट दिल्ली 1945-46 ऑप्शन हला जीएस दिलन प्रेम सहगल मोहन सिंह शाहनाज खान यार आंसर कौन हम दियो तापर हमें कंक्लूड कर तो लक्ष्मी प्रिया कहले मोहन सिंह तापरे आउ के कौन कुछ देखिबा 14 बी दुष्मंत प्रेम सहगल तांको अनुसार तापरे विकास सी सूर्य नारायण सी रंजिता जेना सी ताले सी हेबो आंसर तो केमिति सी हेबो देखिबा पेज नंबर 100 को जीवो आईएनए ट्रायल लिखा है छि आईएनए कमांडर्स पीके सहगल प्रेम सहगल मेंशन अछि शाह नवाज मेंशन अछि एंड गुरबख्श दिलन जीएस दिलन एडाई मेंशन अछि वेयर पुट ऑन ट्रायल एट रेडफोर्ट तो आंसर कोन हो मोहन सिंह तो डिफेंस ऑफ आईएनए प्रिजनर इन द कोर्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय बोलू भाई देसाई तेज बहादुर सप्रू कैलाशनाथ काटजू नेहरू एंड असफली मुस्लिम लीग एल्सो जॉइंड द कंट्री वाइड प्रोटेस्ट 12th नवंबर 1945 वाज सेलिब्रेटेड एज आईएनए डे तो तमे को सेक्शन तुमको टॉप लागिला तमे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिवो को ईयर क्वेश्चन सब टू टॉप लागिला आउ जो क्वेश्चन मु तुमको सॉल्व करके दे परलिनी इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यू टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन विथ पर्टिकुलर प्रॉपर रेफरेंस ओके तो आज एतिक रखिबा पुनी काली हमें डिस्कस करिवा ज्योग्राफी रो प्रीवियस ईयर मते लागु छी यू आर गेटिंग कॉन्फिडेंस ऑन दिस बाय वाचिंग दिस सेशन सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तो बाय बाय टेक केयर